हाँ सर, शुरू करें। सभी को जय भीम, आदाब तथा नमस्ते। आज एसोसिएशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी की ओर से 75वां वेबिनार हम करने जा रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं तथा वेबिनार में ज्वाइन करने के लिए सभी को शुक्रिया भी अदा करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट इन महाराष्ट्र, इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस। मुझे लगता है कि ये जो वेबिनार का हमारा टॉपिक है, बहुत ही चिंतन का टॉपिक है। इसमें बरसों हम सोचते आए हैं, विचार करते आए हैं, तो हम देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक नई राह दिखाई और जो रहा है वो सबसे अलग थलग है। विश्व के या देश के जो भी धर्म है, मजहब है, उसमें ये एक बहुत ही अलग एक राह हमारे लिए थी और हमने उसको, इस राह को डाइजेस्ट भी करने का प्रयास किया है अपने तौर पर। तो हम देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर, चंद्रपुर और उनके पश्चात मुंबई में जो लोग बौद्ध हुए उनकी तादाद उस वक्त 17 लाख थी तकरीबन, और मुझे लगता है कि वो आज के तारीख में बहुत ज्यादा बढ़ी है, 1 करोड़ के ऊपर उनकी तादाद हो गई है। ये बात ठीक है कि अगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमारे बीच में होते तो ये तादाद और भी बढ़ती, बहुत सारे लोग बौद्ध हो जाते। अभी हमारे सामने एक दूसरा मसला है, ये मसला यह है कि बौद्ध होने के बाद हमारा इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस कितना बड़ा है, और खास करके महाराष्ट्र के शेड्यूल कास्ट समाज में बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैला है, और इसीलिए हम ये देखते हैं कि महाराष्ट्र में उसकी क्या स्थिति है। इसके ऊपर कुछ काम भी हुआ है, बहुत सारा काम हुआ है ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ काम इसमें जरूर हुआ है। तो लेकिन हमें जहां तक देखना चाहिए, दो दो बातें हैं। एक तो 1960 से 2022 तक क्या हुआ महाराष्ट्र में, ये एक बात है, और दूसरी बात यह है कि केंद्र में 1990 से वीपी सिंह जी इनके नेतृत्व में, या मतलब इनके इसमें जब वो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने बौद्धों को कुछ रियायतें दी थी, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, ये दो बातें हमें देखनी है। और इन सब दोनों बातों का बौद्धों के यानी नवबौद्धों के इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस में क्या फर्क पड़ा, ये हमें देखना है आज के वेबिनार में। मैं इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर सुखदेव थोरात सर, उनका स्वागत करता हूँ, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज के जो स्पीकर है, प्रोफेसर डॉक्टर नितिन कुमार तागड़े, नमस्कार डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ। बहुत ही मतलब होनहार स्कॉलर है, देश में इनका नाम है बहुत, और खास करके इनका रिसर्च जाना जाता है इस विषय पर। तो मैं आपका अधिक समय न लेते हुए वेबिनार शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर सुखदेव थोरात सर को अनुरोध करूंगा कि वो इस वेबिनार की एक प्रस्तावना करें। डॉक्टर थोरात सर, आप मुझे सुन रहे हैं? मेरा वीडियो नहीं चल रहा है, इसलिए मैं ऑडियो ही इस्तेमाल करूंगा। हाँ मेरी आवाज आ रही है ठीक हाँ से, आ रही है सर, क्लियर क्लियर है? है, बहुत क्लियर। जय भीम सभी को। आपको मालूम है कि पिछले 4 या 5 हफ्तों से हम एक कॉमन थीम
थीम पे चर्चा कर रहे हैं, वो कॉमन थीम ये है कि जो फॉर्मर अनटचेबल है या दलित है, इन्होंने समता की खोज में हिंदुज्म को छोड़ के और धर्म जो समता की बात करते हैं उसमें परिवर्तन किया। जैसे कि पंजाब में और एडजॉइनिंग एरिया में फॉर्मर शेड्यूल कास्ट ने, फॉर्मर अनटचेबल ने सिखिज्म स्वीकारा। साउथ इंडिया और कई और एरियाज में क्रिश्चियनिटी में परिवर्तन किया। उसके बाद काफी पहले, अभी तो नहीं ही लेकिन मेडिवल पीरियड में, बहुत बड़ा तबका लोअर कास्ट का इस्लाम में परिवर्तित हुआ। और रिसेंटली बाबा साहेब के नेतृत्व में महाराष्ट्र में और कुछ और जगह जैसे पंजाब और लखनऊ और छोटे मोटे एरिया जो है, इसमें बुद्धिज्म में परिवर्तन हुआ। तमिलनाडु में 1920 या उसके पहले एक कन्वर्जन की मूवमेंट चली और एक ग्रुप इमर्ज हुआ। वो उसका असर तमिल जो श्रीलंका जो है उसका, उसके प्रभाव में आके तमिलनाडु में भी बाबा साहेब के कन्वर्जन के पहले कुछ मूवमेंट चली। तो हमने पिछले 4-5 लेक्चर में ये परिवर्तन के बाद फॉर्मर अनटचेबल के सामाजिक जीवन में ज़्यादातर और आर्थिक और शैक्षणिक जीवन में हमने क्या परिवर्तन आया ये देखने की कोशिश की। विशेष रूप से हमने ये देखा कि ये देखने की कोशिश की जो स्पीकर आए थे जिनका स्पेशलाइजेशन था कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी जो है वो कितनी हद तक कम हुई इन रिलीजन में परिवर्तन होने के बाद। ये रिलीजन जो समता के विचार पे आधारित है, और उसमें हमने पाया कि परिवर्तन आया है लेकिन सिखिज्म में, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में जो कन्वर्टेड दलित है या अनटचेबल है उसके सामाजिक समता के बारे में बदलाव तो आया लेकिन अभी भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है उनको फेस करना पड़ता है अलग रूप में, क्यों ना हो सोशल रिलेशन में, इन मैरिजेस में, और कई जगह जैसे दलित किचन है उसके रेसिडेंशियल सेग्रीगेशन भी है गांव में, हाई कास्ट दलित और अनटचेबल दलित की बस्तियां इकट्ठा नहीं है। परिवर्तन जरूर आया है, पॉजिटिव चेंजेस भी है लेकिन साथ साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बदलते रूप में कायम है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत एक स्टबन जैसी इंस्टीट्यूशन है जिससे दलित फेस कर एक्सपीरियंस करता है। क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म एंड इस्लाम, इसके ऊपर डिस्कशन करने के बाद हमने सोचा कि जो दलित या फॉर्मर अनटचेबल बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए 1956 में इसी शहर में नागपुर में, तो उससे परिवर्तन खूब आया है, स्पेशली कल्चरल और सोशल और रिलीजियस स्पीयर में काफी बदलाव आपको नजर आता है। ये ब्रेक आपको दलित में हिंदुज्म से दूर जाके एक ब्रेक आपको नजर आता है। सोशल नॉर्म्स, रिलीजियस नॉर्म, कल्चरल नॉर्म्स ये काफी बदले हैं, तो उसके बारे में भी स्टडी होनी चाहिए लेकिन उसके बारे में या इस लेक्चर में नितिन तागड़े बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए अलग अभ्यास होना जरूरी है। एक किताब आई है आगलावे की, प्रोफेसर आगलावे की, उसमें उन्होंने कल्चरल और धार्मिक परिवर्तन जो आया है उसके बारे में जिक्र किया, हो सकता है कभी हम उनको बुलाएंगे। लेकिन आज ये हम देखने की कोशिश करेंगे नितिन तागड़े की बुद्धिस्ट जो कन्वर्टेड बुद्धिस्ट है उनकी स्थिति
इकोनॉमिक एजुकेशनल और सोशल स्थिति कैसी है इसका वो जिक्र करेंगे, क्योंकि जो हिंदू शेड्यूल कास्ट है और जो या बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट है इनका बैकग्राउंड जो है वो समान ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, तो इसलिए हम अपेक्षा नहीं करते ज़्यादा कि इकोनॉमिक और इसमें ज़्यादा परिवर्तन आया होगा, लेकिन फिर भी ये देखना ज़रूरी है कि उनका अभी स्टेटस क्या है। दूसरी बात जो है कि नितिन तागड़े आपको बताएंगे, क्योंकि ये जिस डेटा पे वो बात करेंगे वो डेटा ऑफिशियल डेटा है, नेशनल सैंपल सर्वे जो है जो अलग अलग सर्वे करता है पावर्टी पे, एम्प्लॉयमेंट पे, एजुकेशन पे, इसके क्वेश्चनेयर में वो ये सवाल जब पूछते हैं तो उसमें उनको ये भी पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आपका धर्म क्या है और आपकी जाति क्या है और आपकी सबकास्ट क्या है, ये भी पूछते हैं। तो इसमें जिन लोगों ने ये कहा है कि हम शेड्यूल कास्ट है लेकिन कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, ये जिन्होंने कहा है उनका डेटा आप दे सकते हो। कुछ ऐसे है दलित अनटचेबल जो सिर्फ न्यू बुद्धिस्ट लिखते हैं लेकिन आपका पहले वाला जो कास्ट बैकग्राउंड है वो नहीं देते। तो ये जो नेशनल सैंपल सर्वे का डेटा है ये सेल्फ डिक्लेयर डेटा है, जिसको पूछा गया वो अपने मर्जी से ये बता रहा है कि मैं शेड्यूल कास्ट हूँ लेकिन बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ हूँ, या महार हो या मातंग हो या चमार हो और बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ हूँ। तो ये जो डेटा हमें मिलता है वो शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म का मिलता है, फिर हिंदू शेड्यूल कास्ट का भी मिलता है जिन्होंने ये कहा कि हम शेड्यूल कास्ट है बल्कि हिंदू है। तो ये एक तरीके से ये डेटा सेल्फ डिक्लेयर होने की वजह से उसमें ऑथेंटिसिटी है, सच्चाई है। हो सकता है ऐसा न्यू बुद्धिस्ट हो जो अपनी बैकग्राउंड शेड्यूल कास्ट बैकग्राउंड है ये नहीं बताता, तो उसको एनएसए शेड्यूल कास्ट में शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म में काउंट नहीं करता। हालांकि सारे जो न्यू बुद्धिस्ट है महाराष्ट्र में वो सारे शेड्यूल कास्ट है। नितिन तागड़े बताएंगे कि ऑल इंडिया में जितने बुद्धिस्ट है उसमें से 97% महाराष्ट्र में है, सिर्फ 3% जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, और 97% यदि महाराष्ट्र में है तो सारे के सारे जो है 100% वो जो है वो दलित है। तो ये मान के चलना आसान है, लेकिन नेशनल सैंपल सर्वे में जब आप सेल्फ डिक्लेयर करके अपनी इंफॉर्मेशन देते हो तो वो उसी को मान के आप काम कर सकते हो। तो एक बड़ा एडवांटेज ये है कि शेड्यूल कास्ट कनेक्टेड टू बुद्धिज्म, शेड्यूल कास्ट वो रिमेन हिंदू, इसकी भी तुलना होती है और फिर ओबीसी हाई कास्ट मुस्लिम के साथ भी उनके स्टेटस की तुलना होती है। तो यार ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैंने एक आर्टिकल लिखा था लोकसत्ता में, अंग्रेजी में था, ट्रांसलेशन करते थे लोकसत्ता के, तो उन्होंने किया कि धर्मांतराची किम्मत इस तरह का टाइटल दे दिया, तो कुछ लोग नाराज हुए कि थोड़ा जो है वो मतलब निगेटिव तरीके से देख रहे हैं, अब इनको कौन समझाए। बाद में उनको समझ में आया कि ये मतलब था नहीं, उन्होंने ट्रांसलेट उस तरह से किया है। तो नितिन तागड़े सिर्फ आपके सामने बड़े न्यूट्रल तरीके से शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट और शेड्यूल कास्ट हिंदू, ओबीसी हाई कास्ट मुस्लिम, इनकी कंपेरिजन करेंगे और इन सब के तुलना में न्यू जो शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म उनकी क्या स्थिति है ये आपके सामने रखेंगे। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो जो पॉलिसीज हिंदू शेड्यूल कास्ट के लिए थी वो बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं थी, रिजर्वेशन के मामले में ज़्यादातर 1991 तक जब तक पासवान जी ने न्यू शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म को रिजर्वेशन नहीं दिया तब तो रिजर्वेशन महाराष्ट्र में भी नहीं था और केंद्र भी नहीं था और केंद्र में आज भी नहीं है, तो उसका असर होना स्वाभाविक है। वो हिम्मत है जो कन्वर्टेड शेड्यूल कास्ट है वो अपने कन्वर्जन को मानते हैं और अपने रिजर्वेशन को सेक्रीफाई किया उन्होंने, ये हमें समझ लेना चाहिए। और सोशल और स्पिरिचुअल रिलीजियस जो एडवांटेज है वो बहुत ज़्यादा है कन्वर्जन के, वो हम किसी वक्त बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये भाषण में हम उनका इकोनॉमिक एजुकेशनल और सोशल स्टेटस देखेंगे और उनकी उनके औरों के तुलना में उनकी क्या स्थिति है ये थोड़ी सामने लाने की कोशिश
नितिन तागड़े करेंगे। यही मुझे बैकग्राउंड आपको देना है ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, लोग जिनको समझ कुछ चीजें ठीक से नहीं आती है तो वो इस तरह से फिर परेशान होते हैं। तो मैं समझता हूँ विद्या, इतना ये पार्श्वभूमि देखे आप शुरू कर दीजिए। हाँ धन्यवाद सर, आपने अपनी प्रस्तावना में एक दिशा दी प्रेजेंटेशन के लिए, बहुत अच्छी बात है। मैं अब डॉक्टर नितिन कुमार तागड़े सर से अनुरोध करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं संगीता भूरे मैडम है जो पीएचडी स्कॉलर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई की, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे प्रोफेसर डॉक्टर नितिन कुमार तागड़े इनका परिचय दें। हेलो, इज इट ऑडिबल सर? आवाज है रे? तो गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑर्गेनाइजर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। So it's my privilege to introduce the guest of the honor for the day, Dr. Nitin Tagore sir. So Dr. Nitin Tagore sir is an assistant professor at the Department of Economics, Savitribai Phule Pune University, Pune. He obtained a PhD from the Institute for the Social Economic Change, Bangalore, and worked as an assistant professor at the Indian Institute of Dalit Studies, New Delhi. So his work has been mainly in the area of development economics, inequality, economics of discrimination, and he has published few articles in the national and the international journals and edited books concerning the issue of food security, poverty, inequality, and employment and land policy. So it's our privilege to have you as our guest speaker, sir. So please welcome, and I would like to invite you to talk on today's topic, Scheduled Caste Buddhist in Maharashtra, Economic, Education, and Social Status. So Dr. Nitin Tagore sir, over to you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Nice introduction. Yes. Sir, please continue. Thank you very much for this nice introduction and nice words. थोड़ा सर ने मेरा काम बहुत सारा इजी कर दिया है, सो आई डोंट थिंक आई विल बी रिक्वायर्ड मच टू स्पीक ऑन द इंट्रोडक्टरी पार्ट, बट एनीवे आई विल टेक एडवांटेज ऑफ दैट आल्सो। सो टुडे आई विल बी स्पीकिंग ऑन द शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट इकोनॉमिक एजुकेशनल एंड सोशल स्टेटस इन महाराष्ट्र। सो जैसे सर ने बताया कि इंडिया में जो कोई भी कन्वर्जन हुआ है वो ज़्यादातर इस्लाम क्रिश्चियनिटी को हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र में जो हुआ है वो बेसिकली बुद्धिज्म को लेकर हुआ है। और अगर हम 2011 का डाटा देखें तो इंडिया में अराउंड 1% पॉपुलेशन इज बुद्धिस्ट, 0.7% बेसिकली, लेकिन महाराष्ट्र में ये परसेंटेज 5.8% है, जो कि इंडिया के पॉपुलेशन का 77% है, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन का। महाराष्ट्र में जितने बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है वो टोटल इंडिया के पॉपुलेशन का 77% है। इसकी वजह जैसे सर कामरे सर ने बताया और थोड़ा सर ने भी बताया कि महाराष्ट्र में 1956 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो दीक्षा दी उसकी वजह से है। और इस पर्टिकुलर बुद्धिस्ट कम्युनिटी में ज़्यादातर महार कम्युनिटी के लोग हैं जो कि 58% है, और ये 2011 के डेटा के हिसाब से है। और 61% लोगों ने, महार कम्युनिटी के लोगों ने ज्यादातर बुद्धिस्ट करके बताया है। ये 2001 का डेटा है क्योंकि 2011 के डेटा अभी तक के आया नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे गवर्नमेंट लार्ज स्केल सर्वेज है
जो ये बताते हैं कि महाराष्ट्र में जितने से बुद्धिस्ट है वो ज्यादातर शेड्यूल कास्ट है, वो 90% बुद्धिस्ट ये शेड्यूल कास्ट है। तो हमारे पास इतनी सारी सफिशियंट इंफॉर्मेशन तो है कि हम समझ सके कि उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया है, क्योंकि बहुत सारा डेटा गवर्नमेंट का है, लार्ज स्केल सर्वे है जिसका प्रॉपर सैम्पलिंग डिजाइन होता है और सफिशियंट सैंपल साइज भी होता है। सो इसी के मद्देनजर रखकर इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट का डेवलपमेंट महाराष्ट्र में कैसा है, आज की स्थिति कैसी है, और थोड़ा कंपेयर भी करेंगे अदर शेड्यूल का अदर ग्रुप के साथ, जैसे कि हाई कास्ट ओबीसी और अदर रिलीजियस ग्रुप्स, और नॉन बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट के साथ में भी करेंगे जो कि हिंदू शेड्यूल कास्ट के रूप में हमारे सामने में नजर आते हैं। सो इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव दो तरीके के बोल सकते हैं, एक तो टू स्टडी द इकोनॉमिक सोशल एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द फार्मर अनटचेबल हु कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, और कुछ पॉलिसीज के बारे में हम सोच सकते हैं कि उन और क्या कर सकते हैं। कोशिश की है कि कुछ पॉलिसीज को की आइडिया सामने ला के रखा जाए। तो डेटा हमारा जो इस प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया गया वो नेशनल सैंपल सर्वे है, जो कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में सर्वे हुआ है, लैंड एंड लाइफ स्टॉक के बारे में हुआ है, डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में हुआ है, एजुकेशन के बारे में, हाउसिंग के बारे में, और पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे भी है जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ISDS डाटा भी है, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा का यूज किया गया। तो ये जो प्रेजेंटेशन है इसका शुरुआत में मैं थोड़ी डेमोग्राफिक फीचर्स के बारे में बात करूंगा, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा, और सोशल नीड्स जो होती है उसके बारे में क्या प्रोग्रेस हुई है, और जो कुछ भी लैक्यूनाज है या गैप परसिस्ट करती है उसके रीजंस क्या है। उसमें दो पर्टिकुलरली फैक्टर्स हमको देखने में आते हैं, एक तो एंडोमेंट फैक्टर्स होते हैं और दूसरा की डिस्क्रिमिनेशन होता है बेस्ड ऑन द कास्ट बीइंग बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट बीइंग फॉर्मर अनटचेबल्स। लास्टली सम कंक्लूजन के कुछ मुद्दे आपके सामने रखूंगा। तो महाराष्ट्र के डेमोक्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हुए हमें थोड़ा ट्रेंड्स और उसका पैटर्न क्या है वो थोड़ा जानना जरूरी समझता हूँ मैं। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है सेंसस से आती है, वो 1961 से लेकर 2011 तक का हमारे पास डेटा है बाय सोशल ग्रुप। आप देख सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन परसेंटेज किस में है, 5.6% था 1961 में, जो बढ़कर 11-12% हो गया, तो इसमें बढ़ोतरी है, और शेड्यूल ट्राइब्स का भी है, वैसे ही अदर्स का भी आप देख सकते हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं चलता इसमें कि 1961 के पहले शेड्यूल कास्ट का क्या शेयर था, क्योंकि उस वक्त महाराष्ट्र एग्जिस्ट नहीं करता था, और इसलिए हमने उस जहाँ जहाँ पर आज के महाराष्ट्र में जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ जहाँ पर थे वहाँ से वो डेटा उठाकर उसको कंपाइल किया, और हमने पाया कि 1951 में 12% मोर देन 12% पॉपुलेशन वॉज शेड्यूल कास्ट। उस वक्त कोई भी बुद्धिस्ट नहीं थे उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के जो डिस्ट्रिक्ट है और सीपी एंड बेरार, सौराष्ट्र और मुंबई, ऐसा मिलाकर हमने उसको बनाया, हैदराबाद में भी के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट लिए थे, तो ऐसा मिलाकर वो 12.4% होता है। और 1956 में जब बाबा साहब ने बुद्धिज्म को कन्वर्ट किए, उसके बाद 1961 में जो सेंसस एन्यूमरेशन हुआ उसमें शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन घटकर 5.6% हो गया और बुद्धिस्ट का पॉपुलेशन 7.1% है। मतलब उस वक्त 7.1% पॉपुलेशन कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, हम ये तो ठीक ठीक रूप से बोल सकते हैं।
और शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन आप देख सकते हैं वो 1981 के बाद में ड्रास्टिकली बढ़ा है 7.1% से 11% और अभी 11.8% है। बुद्धिस्ट पॉपुलेशन भी आप देख सकते हैं 7.1 से घटकर 5.7% हो गया है। लेकिन सोचने वाली बात तो इसमें ये है कि अगर 12.4% शेड्यूल कास्ट थे और बुद्धिस्ट कोई भी नहीं थे और हम बुद्धिस्ट को अलग से एनुमरेट नहीं कर रहे थे, उसके बाद में अगर किया है तो शेड्यूल कास्ट बचकर 5.6% और बुद्धिस्ट 7.1% हो जाता है और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 12.7% होता है। तो 1951 में शेड्यूल कास्ट का जो पॉपुलेशन था और 1961 में दोनों का पॉपुलेशन मिलाकर दोनों करीब करीब सेम नजर आते हैं। अगर इसी तरह से हम ऐड करते जाए ये सोचकर कि अगर बुद्धिस्ट पॉपुलेशन सेपरेटली एनुमरेट होता है, एससी में इंक्लूड नहीं होता है, तो 2011 में उसका टोटल पॉपुलेशन 17.6% है। अब ये क्या सही है या गलत है ये उतना पुरजोर तरीके से हम बोल पाएंगे या नहीं, इसके लिए थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करके जो लार्ज स्केल सर्वे है उसके डाटा जनरेट किया गया है जो कि 1983 से लेकर 2018 तक के हमारे पास डेटा है। अलग अलग सोर्सेस है, नेशनल सैंपल सर्वे, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे के 3 राउंड है, ISDS का हाउसहोल्ड सर्वे है और PLFS का एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे का लास्ट 2 इयर्स का। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बुद्धिस्ट पॉपुलेशन और शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन हाईएस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन यहाँ पर 7.5% है जो कि हाउसहोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन 2018-19 का 6.5% है जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल पॉपुलेशन हाईएस्ट 17.9% है कि जो सेंसस में 2011 का डेटा अगर शेड्यूल कास्ट और बुद्धिस्ट को का कंबाइन करते हैं तो 17 point something आता है, तो ये मैच कर रहा है। तो हम बोल तो सकते हैं कि हमारे पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट का कंबाइन पॉपुलेशन ये मोर देन 17% होना चाहिए। सो ये हो गया पॉपुलेशन के बारे में। अब इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में थोड़ी बात रखूंगा। इसमें पर्टिकुलरली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पावर्टी और कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में बात करूंगा। हमारे पास 2011 का डेटा है, उसके बाद में कोई भी डेटा नहीं है जिससे हम ये पता लगा सके कि आज का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 709 रुपीज है और उसकी तुलना में देखा जाए तो हाईएस्ट हिंदू हाई कास्ट का है 917 रुपीज। क्रिश्चियन हाई कास्ट का हम उतना ऑथेंटिक नहीं मानते क्योंकि उनका सैंपल साइज थोड़ा कम है, लेकिन अगर शेड्यूल कास्ट की तरफ जाएंगे तो आप देखते हैं कि बहुत ही कम है 558 और उसमें भी अगर बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट को देखते हैं तो उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 524 है और हिंदू शेड्यूल कास्ट का 569 रुपीज है। इसी तरह से आप मुस्लिम का भी देख सकते हैं, मुस्लिम में भी बाइफर्केशन है, हाई कास्ट है, ओबीसीज है, तो ओबीसीज का कम मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उनके मुस्लिम हाई कास्ट से। पावर्टी रेशियो जो कि हम कैलकुलेट करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आधार पर और 2011-12 में महाराष्ट्र में 14% पावर्टी थी जो कि सबसे हाईएस्ट पावर्टी रेशियो शेड्यूल ट्राइब्स में है 45%, उसके बाद में बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट 23.7%,
फिर मुस्लिम ओबीसी 15.2% और हिंदूज 13.7%, हिंदू शेड्यूल कास्ट 12.4%। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पुअर गरीब शेड्यूल ट्राइब्स है और बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट है और फिर बाद में उसके बाद में बाकी के ग्रुप्स आपको नजर आते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इम्पोर्टेंस दिया गया है और डायरेक्ट हमारे पास तो वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, इसलिए हमने उसकी जगह पर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और अंडरवेट का यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में 2015-16 जो कि NFHS डेटा 4 NFHS 4 से हमने लिया है 16.5% था और सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स में और शेड्यूल कास्ट में है और बुद्धिस्ट 27% है जो कि शेड्यूल कास्ट की तुलना में कम है। शेड्यूल कास्ट में यहाँ पे दोनों भी मिलाए हुए हैं, फिर भी बुद्धिस्ट हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट है। अंडरवेट चिल्ड्रन यहाँ पर महाराष्ट्र में 34.4% है, 0 to 5 years के बच्चों के बारे में है, ये हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट 44%, ये और भी ज्यादा है। अब सोशल नीड में क्या रिक्वायरमेंट होती है और उसमें हम बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट किस तरह से बाकी के ग्रुप से कैसे दिखाई देते हैं हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन, ये 2017-18 का डेटा है। यहाँ पे दो डिफरेंट ग्रुप्स किए हैं लेकिन इसका कोई बेस नहीं है, सिर्फ छोटा बनाने के इसमें मैंने इसको अलग अलग किया। तो महाराष्ट्र में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन 34% है और सबसे हाईएस्ट हिंदू हाई कास्ट का है 40%, और सबसे कम है मुस्लिम ओबीसी और हिंदू शेड्यूल कास्ट। बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट का 34.6% है जो कि हिंदू ओबीसी से थोड़ा कम है। तो आप देख सकते हैं कि बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट का बहुत बुरा भी नहीं है लेकिन ठीक स्टेट एवरेज के से ज्यादा है। हाउस ओनरशिप इन महाराष्ट्र यहाँ पर 2017 की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर हमें पता चलता है कि कितने लोगों के पास खुद का घर है। तो करीब करीब 83% फैमिलीज के पास खुद का घर है और ऑन एन एवरेज सभी के पास अच्छे उसी लेवल में आपको घर दिखाई देते हैं। ये अब लेकिन ये घर कहाँ पर है, ज्यादातर स्लम में है या नॉन स्लम में है? स्लम ज्यादातर अर्बन एरियाज का पार्ट होता है इसलिए परसेंटेज थोड़ा कम दिखाई देता है क्योंकि ये टोटल अर्बन और रूरल ऐसा बायफर्केशन नहीं किया, टोटल का लिया गया है। तो 7.1% घर जो है वो स्लम में है और सबसे ज्यादा मुस्लिम ओबीसी और मुस्लिम हाई कास्ट दोनों का भी ज्यादा है और इवन हिंदू शेड्यूल कास्ट उनका भी ज्यादा है लेकिन बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट का थोड़ा परसेंटेज कम दिख रहा है जो कि अच्छी बात है। लेकिन घर तो सभी के पास है, बहुत 82% लोगों के पास घर है लेकिन उनकी क्वालिटी क्या है? तो हमें पता चलता है कि 2-3 इंफॉर्मेशन है, गुड, सेटिस्फैक्टरी और बैड। तो हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे यहाँ पर गुड क्वालिटी हाउस की तरफ। तो 37.5% हाउसेस गुड में आते हैं और सबसे बेस्ट परसेंटेज हिंदू हाई कास्ट का है और सबसे बुरा शेड्यूल ट्राइब्स का, उसके बाद में हिंदू शेड्यूल कास्ट का और मुस्लिम ओबीसी का। बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज 35.2% है लेकिन इधर बैड
वैट का भी परसेंटेज शेड्यूल कास्ट और हिंदू शेड्यूल कास्ट का ज्यादा है। क्या घर है तो क्या पानी की व्यवस्था है या नहीं, इसे तो एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, तो इसमें कंपेयर किया है कि कितने फैमिलीज के पास एक्सेस है और एक्सक्लूसिवली होम घर में, और उनका हाउस होल्ड का कितना प्रोपोर्शन है। तो आप देख सकते हैं कि हिंदू हाई कास्ट का 39% फैमिलीज का एक्सेस है और उनका परसेंटेज 34% है, 35%। हिंदू शेड्यूल कास्ट और बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज देख सकते हैं, वो क्लोज टू देयर पॉपुलेशन शेयर। सो ऑलमोस्ट थोड़ा प्रॉब्लम शेड्यूल का ट्राइब्स का है, थोड़ा बहुत ज्यादा ही है एक्चुअली। 9.9% उनका हाउसहोल्ड शेयर है, लेकिन अराउंड 5% हाउसहोल्ड हैव द एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर एट देयर ओन हाउस। नितिन जरा आवाज थोड़ा सा ठीक रखो, माइक अपने सामने ले लो, आपका आवाज थोड़ा लो है सर। ओके सर, माइक नहीं आया एक्चुअली। आप ठीक है, थोड़ा सा जोर से बोलो। ओके, सो सोशल नीड में हम फ्रीडम को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, और अनटचेबिलिटी और एट्रोसिटीज आर द बैरियर्स टू द फ्रीडम। सो शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट तो पहले से ही अनटचेबल, पहले के अनटचेबल्स है, और इसलिए आज भी उनके साथ में अनटचेबिलिटी और एट्रोसिटीज कंटिन्यू होती है। पर महाराष्ट्र में 7 स्टडीज है जो इसके बारे में स्टडी करते हैं 1958 से लेकर 2015 तक के, उसमें से 6 स्टडी दे हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन इन डिफरेंट स्पीयर्स, जैसे कि पानी पीने के पानी की को एक्सेस है या नहीं, टेंपल में एंट्री है या नहीं, होटल्स में एंट्री है या नहीं, क्या डिफरेंट सेटलमेंट्स है क्या गांव में या सिटी में, इंटरकास्ट डाइनिंग होती है या नहीं, लोग मिलते हैं या नहीं, लोगों को जो रिक्वायरमेंट होती है बार्बर्स या धोबी, इनकी ये सीधे तौर पर जाकर एक्सेस होता है कि नहीं, इस तरह की उन्होंने स्टडी की है 1958 से। 7 स्टडीज है, 6 एक्सक्लूसिवली ऑन दीज एस्पेक्ट्स, और जो 7वीं स्टडी है वो इकोनॉमिक डायमेंशंस के ऊपर है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं इकोनॉमिक स्पीयर में। तो इसके बारे में तो बाद में बात करूंगा डिटेल में, लेकिन दीज आर द स्टडीज अब मोस्टली कंडक्टेड बाय द गोखले इंस्टीट्यूट इन पुणे एंड सेवक संघ सर्वे और एक्शन एड सर्वे, और जो लास्ट है 7th इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन सर्वे विच वाज ऑकर्ड इन 2015। एट्रोसिटीज की बात करते हैं तो हमें जो डेटा मिलता है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से मिलता है। हमारे पास जो डेटा अभी अवेलेबल है वो 1995 से लेकर 2015 तक है। तो टोटल क्राइम जो हुए है महाराष्ट्र में शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट में वो 22,253 है, जिसका एनुअल एवरेज है 1,060। पीसीआर क्राइम 1,803 टोटल है, और 86 ऑन एन एवरेज हर साल हुए है इन 95 से लेकर 2015 तक। और प्रिवेंशन क्राइम अंडर द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी, इसके अंतर्गत जो केसेस दर्ज हुए वो 8,358 है टोटल, और ऑन एन एवरेज 398 केसेस हुई है, क्राइम हुए अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट। सो लेकिन ये तो केसेस नंबर्स के बात हो गए, उसमें क्या एक्चुअली निकल कर आता है, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ फैक्ट फाइंडिंग केसेस की स्टडी करके कुछ डिटेल्स निकाले, उससे हमें पता चलता है कि नेचर ऑफ एट्रोसिटीज कैसा है। जैसे कि 14% केसेस में पाया गया कि एक विक्टिम है और एक अक्यूज्ड है, 42% केसेस में पाया गया है कि एक ही विक्टिम है और ज्यादा एक से ज्यादा अक्यूज्ड है,
और 44% केसेस में हमें पता चला है कि दो या दो से ज्यादा विक्टिम्स हैं और दो से ज्यादा एक्यूज भी है। तो ज्यादातर एक से ज्यादा एक्यूज होने के चांसेस ज्यादा हैं इन। और एक स्टडी हुई है जो रूरल डेवलपमेंट सेंटर RDC बीड इन्होंने किया है, और उन्होंने पता लगाने की कोशिश की है कि विक्टिम की कास्ट क्या है और जो जिन्होंने एट्रोसिटी की है उनकी कास्ट क्या है। तो विक्टिम्स के बारे में ज्यादातर 58% विक्टिम्स ये माहर कम्युनिटी के हैं, फॉलोड बाय मातम कम्युनिटी दैट फॉर्म्स 27%। मराठा कम्युनिटी जो कि सबसे ज्यादा एट्रोसिटी करने वाली कम्युनिटी में इस स्टडी में पाया गया है 43%, उसके बाद में बाकी के आते हैं। अभी हमने देखा है कि पावर्टी है, पावर्टी अलग अलग ग्रुप की अलग अलग पावर्टी है, कुछ ग्रुप्स की पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की पावर्टी ज्यादा है, उसी तरह से एजुकेशन में भी हमने देखा कि डिफरेंसेस है, और भी अलग अलग स्पीयर में डिफरेंसेस हमें नजर आते हैं, लेकिन ये डिफरेंसेस क्यों है। तो पहला तो हमें पता चलता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स से पता चलता है, और दूसरा हमें एनवायरमेंट फैक्टर्स से पता चलता है कि जो इकोनॉमिक एफ्लुएंस देता है, जैसे कि वेल्थ हो गया है, लैंड हो गई है, बिजनेस में प्राइवेट एंटरप्राइजेस है या नहीं, और इससे हमें पता चलता है कि इनकम में क्या डिफरेंसेस है। दूसरा एक फैक्टर है जो कि शेड्यूल कास्ट के बारे में स्पेसिफिक है, और वो है डिस्क्रिमिनेशन। और यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन हम देखेंगे वो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन के ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि उससे इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन का इकोनॉमिक के ऊपर क्या इम्पैक्ट गिरता है। तो ये इंफॉर्मेशन ओनरशिप ऑफ वेल्थ है, परसेंटेज में है, ये 2013 के डेटा है। ये सबसे महाराष्ट्र में जो वेल्थ है उसकी आज 2013 में जो वैल्यू थी वो 6.3 लाख करोड़ थी, उसमें से 66% ओनरशिप ये हिंदू हाई कास्ट के पास थी, और हिंदू ओबीसीज के बारे में पास में 18% थी। शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट उनके पास 1.4% थी, और हिंदू शेड्यूल कास्ट के पास में 2.6% थी। शेड्यूल ट्राइब्स की तो और भी कम थी, 1.8%, बट बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट से बेटर है। लेकिन कितना ओनरशिप है इससे तो हमें उतना पता नहीं चलता, क्योंकि हम जब तक के ये उनके हाउसहोल्ड शेयर से कंपेयर ना करें, इसलिए हमने कंपेयर करने की कोशिश की है कि कितना हाउसहोल्ड शेयर है और उन्होंने कितना उनके पास कितना होना चाहिए। अगर 1 आता है तो एग्जैक्टली उतना ही वो ओन करते हैं जितना उनका रिक्वायरमेंट है। अगर वो 1 से ज्यादा है मतलब वेल्थ ज्यादा ओन कर रहे हैं, अगर 1 से कम है इसका मतलब वो वेल्थ कम ओन कर रहे हैं, ओनरशिप कम है। तो आप सब देख सकते हैं कि हिंदू हाई कास्ट का जो रेशियो है 2 है, मतलब वो डबल वेल्थ ओन करते हैं जितना उनका हाउसहोल्ड शेयर है। शेड्यूल ट्राइब्स का 0.2% है, 0.2 है, और हिंदू शेड्यूल कास्ट, बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट तीनों का ही 0.3 है। इसका मतलब कि दे आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ वेल्थ ओनरशिप, लेकिन बहुत कम है। इवन मुस्लिम्स का भी वेल्थ ओनरशिप बहुत कम है, 0.5। वेल्थ ओनरशिप में जो वेल्थ कंबाइन करते हैं वो लैंड और बिल्डिंग और अदर और भी कुछ चीजें होती है, जैसे गोल्ड हो गया, फाइनेंसेस हो गए, सेविंग्स हो गए, या इक्विपमेंट्स हो गए।
लेकिन लैंड और बिल्डिंग ये 90% टोटल वेल्थ का पार्ट है, इसलिए हमने मैंने ये खास तौर पर ये लैंड और बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो हिंदू हाई कास्ट का जो बिल्डिंग ओनरशिप है 76% है, ज़्यादातर वो अर्बन एरिया में रहते हैं और वहाँ पर ज़्यादा उनका ओनरशिप आपको नज़र आएगा, और लैंड भी 45% है। उसके बाद में जो है परसेंटेज वो हिंदू ओबीसी का है सबसे कम, फिर से शेड्यूल ट्राइब्स, हिंदू शेड्यूल कास्ट और बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट ये है। लैंड के बारे में और भी एक इन्फॉर्मेशन है जो 2013 से का ही है, और लैंड एंड लाइफ स्टॉक का आता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि रेशियो 1.6% है हिंदू हाई कास्ट का, ये 2 से कम है क्योंकि ये रूरल एरिया के बारे में, और लैंड ओनरशिप सबसे ज्यादा ओबीसी के बारे में हिंदू ओबीसी के पास में ज्यादा है रूरल एरियाज में, लेकिन अर्बन एरियाज में ये हिंदू हाई कास्ट के बाद में। तो ये रूरल एरिया का इंफॉर्मेशन होने के बाद में वो कि रूरल एरिया का इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी यहाँ पर हिंदू हाई कास्ट का ओनरशिप ज्यादा दिख रहा है। हिंदू ओबीसी जितना उनका हाउस होल्ड शेयर है उतना ही उनके पास लैंड है। प्राइवेट एंटरप्राइजेस फिर से हिंदू हाई कास्ट सबसे ज्यादा ओन करते हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेस बिजनेस से रिलेटेड है, हिंदू ओबीसी के पास में भी है और उस मुस्लिम ओबीसी के, लेकिन हिंदू एससी और बुद्धिस्ट एससी बहुत कम है, 4.3 और 4.6% ना। शेड्यूल ट्राइब्स के पास में 9% है। ये है अब ये सब जो इनकम है या वेल्थ है या आप कहाँ काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, कितना आपका रेम्यूनरेशन है, क्या आप हाई पेड जॉब में काम करते हैं या लो पेड जॉब में काम करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो 2018-19 का डेटा है आपको ये दिखाएगा कि रेगुलर सैलराइड और कैजुअल लेबर्स जो है इसमें हिंदू शेड्यूल कास्ट और बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट डिफरेंटली ऑक्यूपाई किया है। कैजुअल लेबर में बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट 40% है और रेगुलर सैलराइड में 22% है। हिंदू शेड्यूल कास्ट 35% है रेगुलर सैलराइड में और कैजुअल लेबर में 30% है। लेकिन इफ यू कंपेयर विद द हिंदू हाई कास्ट यू विल फाइंड दैट रेगुलर सैलराइड में 37% है और कैजुअल लेबर में सिर्फ 8.3% है। उन ऑक्यूपेशंस में जहाँ पे इनकम ज़्यादा मिलता है या ज़्यादा सैलरी रहते हैं या इनकम जनरेशन ज़्यादा रहता है उसमें हाई कास्ट ज़्यादा है, और जिसमें लो रहता है उसमें शेड्यूल कास्ट ज़्यादा रहते हैं, रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। अब ये क्या वो फॉर्मल वर्क में काम करते हैं या इनफॉर्मल वर्क में काम करते हैं, तो आप देख सकते हैं इनफॉर्मल वर्कर महाराष्ट्र में 61% है और 39% फॉर्मल वर्कर है, लेकिन हिंदू हाई कास्ट फॉर्मल वर्कर में 52% है एज कम्पेयर टू हिंदू शेड्यूल कास्ट 31% और बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट 21%, और इनफॉर्मल वर्कर बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट का 78% एज कम्पेयर टू हिंदू हाई कास्ट 47%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2018-19 में सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट मुस्लिम ओबीसी का है 23%, और बिटवीन शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट का ज्यादा है 6% और थोड़ा कम है हिंदू शेड्यूल कास्ट का 5.7%, लेकिन हिंदू शेड्यूल हिंदू हाई कास्ट का 4.4% है वो जो कि बहुत कम है। अब ये तो एंडोमेंट फैक्टर्स हो गए कि वेल्थ कम है, लैंड कम है, लो पेड ऑक्यूपेशन में काम करते हैं, इनफॉर्मल वर्क में ज्यादा काम करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, और इन्हीं सब की वजह से आपका इकोनॉमिक आउटकम पीछे रहेगा या लो रहेगा एज कम्पेयर टू अदर दोज हु हैव द बेटर अपॉर्चुनिटीज।
लेकिन इसके अलावा भी ये सब होने के बावजूद भी डिस्क्रिमिनेशन एक मेजर फैक्टर है, जो कि लेबर में भी आपको दिखेगा, लैंड एक्सेस में भी दिखेगा, कैपिटल में भी दिखेगा, कंज्यूमर मार्केट में दिखेगा, इकोनॉमिक मार्केट में एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक मार्केट में, जैसे एजुकेशन में, हेल्थ में, वाटर में। तो जो 2015 का स्टडी है उसमें वो लाने की कोशिश की गई है। इसमें हमको पता है कि 40% लेबरर्स वर्क, शेड्यूल कास्ट वर्कर्स वर्क इन द वेज लेबर। तो उस स्टडी में ये पाया गया कि 41% शेड्यूल कास्ट ने ये बोला है कि उन्हें काम दिया नहीं गया है और उसके लिए मना किया गया बाय हाई कास्ट। और हाई कास्ट हियर नॉट ओनली दी उस लोकेलिटी में जो भी हाई कास्ट है, और पर्टिकुलरली उन वर्क में जैसे कि जहाँ पे पोल्यूशन का पोल्यूटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वैसे काम में जैसे कि ग्रेन हार्वेस्टिंग, वेजिटेबल हार्वेस्टिंग। इसके अलावा वो ज्यादातर मैनुअल वर्क में एंगेज रहते हैं, हजार्डस वर्क में उनको काम दिया जाता है या रिस्की काम उनको ज्यादा दिया जाता है। और डिस्क्रिमिनेशन के वजह से उनको जब डिनायल होता है तो उनका एम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट 50% से कम घट जाता है, जितना उन्हें रिक्वायरमेंट है उससे 50% कम काम मिलता है। बिजनेस में डिस्क्रिमिनेशन होता है, इस स्टडी से हमें मिलता है, ये पर्टिकुलरली इटरीज में, रेस्टोरेंट्स में और ट्रांसपोर्ट का स्टडी किया गया है। तो 38% लोगों ने यहाँ पर हाई कास्ट ने वहां से खाना या कोई भी सामान खरीदने के लिए मना किया। 21% लोगों ने हाई कास्ट ने कुछ खास तरीके के गुड्स को खरीदने, जैसे कि ऑयल हो गया या खाने की चीजें, ये उन्होंने मना किए खरीदने से। और अबाउट हाफ ऑफ द एससी ग्रोसरी ओनर्स एट्रिब्यूटेड कास्ट, ये मेजर फैक्टर बोला है। और अबाउट 21% शेड्यूल कास्ट पर्सन सेड दैट दे फेस रेस्ट्रिक्शन इन बाइंग फ्रॉम द हाई कास्ट ओन्ड ग्रोसरी शॉप्स। लेकिन ये अगर उनका बेसिकली अगर डिनायल है कुछ सामान खरीदने से या ऑटो या ट्रांसपोर्टेशन का यूज करने से, तो डेफिनेटली उनका जो बायर्स है वो घट जाएंगे। अगर बायर्स घट जाएंगे तो डेफिनेटली उनका इनकम घट जाएगा, और इनकम बायर सेल कम हो जाएगा तो इनकम घट जाएगा, और डेफिनेटली ये उनका लॉस है। फार्मिंग में भी होता है, लैंड के सेल में होता है, लैंड के खरीदारी में होता है। अगर सेल कर रहे हैं तो सस्ते दामों में बेचने के लिए बोला जाएगा। अगर खरीदना है तो एक तो पहले आपको बेचेंगे नहीं, या बेच भी दिए तो आपको हायर प्राइजेस में बेचेंगे। तो इस तरह से अगर आप सेल कर रहे हैं उसमें भी आपको लॉस इनकर करना पड़ेगा, आप खरीद रहे हैं तो भी आपको लॉस इनकर करना पड़ेगा। जो जो 6 स्टडीज हुई थी उसमें एक्सेस टू वाटर के बारे में बात की गई है। और ओवर द पीरियड द इंटेंसिटी ऑफ डिनायल फॉर द पब्लिक अपॉर्चुनिटीज टू यूज हैज रिड्यूस्ड, बट स्टिल इट इज देयर। फॉर एग्जांपल 2000 के एक्शन स्टडी ने जो पाया गया है उसमें उन्होंने बोला है कि रेसिडेंशियल सेग्रीगेशन है 37% विलेजेस में। 4 विलेजेस में उन्होंने ये बोला गया है कि शेड्यूल कास्ट फेसेस डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पोस्ट ऑफिस में कोई भी अनटचेबिलिटी नहीं है, लेकिन जो पोस्ट मास्टर है या पोस्ट डिलीवरी करने वाले व्यक्ति है वो डिलीवरी नहीं देते हैं बिकॉज ऑफ द अनटचेबिलिटी केस। सो अलग अलग फॉर्म्स में डिस्क्रिमिनेशन होता है, और अगर ये अपोज किया जाए तो एट्रोसिटी में आपको नजर आता है, जो कि
1995 से 2015 तक के जो डेटा बताया है कि वो एट्रोसिटी इसीलिए होती है क्योंकि आपने रिएक्ट किया है। अगर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप सहन कर रहे हैं, तो एट्रोसिटीज नहीं होती है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है और वो किसी भी समय पर एट्रोसिटी का फॉर्म ले सकता है अगर विरोध होता है तो। सो इन कंक्लूजन कि बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट ने प्रोग्रेस किया है, दे आर डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, जैसे कि एजुकेशनल अटेनमेंट बहुत अच्छा है, एटलीस्ट एज कंपेयर टू द स्टेट एवरेज। लेकिन गैप अभी भी है, डिफरेंट ग्रुप्स में अभी भी गैप आपको दिखेगी, और ये बिकॉज ऑफ द लो एंडोमेंट फैक्टर, जैसे कि वेल्थ कम है, लैंड कम है, बिजनेसेस कम है, और ज्यादातर जो वर्कर्स है दे आर एंगेज इन द वेज लेबर, वेदर आइदर एग्रीकल्चर सेक्टर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। सो दूसरा रीजन जो है डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस इन इकोनॉमिक स्फीयर इंपैक्टिंग देयर एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट घट जाता है, और एम्प्लॉयमेंट घट जाने के साथ साथ आपका इनकम भी घटता है। तो ये दो मेजर रीजंस है जो कि जो गैप है वो उसकी वजह उसकी उसके लिए। तो क्या कर सकते हैं ज्यादा, तो सर इज देयर, ही इज he will shed light on that, but मुझे लगता है तीन चीजें हम कर सकते हैं। पहला तो ये है कि इंटरेस्ट रेट, कम इंटरेस्ट रेट वाला लोन फैसिलिटी शेड्यूल कास्ट को देना चाहिए। इसलिए तो लैंड परचेस करने के लिए, हाउस परचेस करने के लिए, एजुकेशन के लिए और बिजनेस सेटअप के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये बोलूंगा कि अगर कोई वुमन हाउस खरीदती है तो उसे 1% लोन वेवर मिलता है, इंटरेस्ट रेट वेवर मिलता है, तो शेड्यूल कास्ट को क्यों नहीं, वो भी तो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। दूसरा है कि फंड सेटअप कर सकते हैं बाय टैक्सिंग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रुपीस और पैसा ऑन पेट्रोल एंड और इसको जीएसटी के अंतर्गत भी ला सकते हैं एज ए कॉम्पेंसेशन टूवर्ड्स डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस इन द पास्ट एंड प्रेजेंट। और शेड्यूल कास्ट सब प्लान को का जो बजट है वो बढ़ाकर 18% करना चाहिए, क्योंकि उनका पॉपुलेशन जो एविडेंस दिखते हैं सेंसस से लीजिए या बाकी लार्ज स्केल सर्वेज है उससे 18% दिखता है, तो इसके लिए भी हम कोशिश कर सकते हैं। सो इसी के साथ मैं थैंक यू सर फॉर योर एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, आपने बहुत सोचने वाली बातें बताई है। एक तो ऐसा है कि बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट का जो स्टेटस तथा प्रोग्रेस, ये दोनों होना बहुत अनिवार्य है। दूसरी बात आपने बताई कि कुछ पॉलिसीज के आइडियाज भी सामने लाना चाहिए, लाके रखना अनिवार्य है, मतलब आज के तारीख में वह नहीं है ऐसा हमें दिखाई देता है। तीसरी बात आपने बताई कि जो भी लैक्यूनास या गैप्स है उसके रीजंस क्या है ये हमने जानना चाहिए, मतलब समाज ने और सरकार ने भी, और इनके जो डेमोग्राफिक कैरेक्टर्स है वो भी आपने सामने लाए हैं। आपने और कुछ पॉइंट्स रखे हैं जो बहुत चिंतनीय है। एक तो शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट का कंजम्पशन, दूसरी बात उनकी पावर्टी, तीसरा पॉइंट है अनटचेबिलिटी एंड एट्रोसिटीज, चौथा पॉइंट है ओनरशिप ऑफ वेल्थ, इसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, और लास्ट पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन इन लेबर मार्केट। तो अगर इनके अभी के हालात, वर्तमान हालात अगर हमने देखना है तो उसके लिए इन सब बातों का सोचना बहुत जरूरी है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद वेबिनार के अध्यक्ष डॉक्टर सुखदेव थोरा सर, इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे अपनी अध्यक्षता करें। डॉक्टर थोरा सर, मेरी आवाज आ रही है आप? हाँ
हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ, मेरा ख्याल है प्रोफेसर नितिन तागड़े के हम आभारी है कि उन्होंने बड़ी मेहनत से कुछ डेटा हमें बताया है। शेड्यूल कास्ट जो लीगल कैटेगरी है उसका डेटा कलेक्ट करना रिलेटिवली इजी जॉब है, लेकिन विद इन द शेड्यूल कास्ट, हिंदू शेड्यूल कास्ट, बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट या ओबीसी मुस्लिम, इसके ऊपर बहुत सारे इंडिकेटर जो है डेवलपमेंट के, उसके ऊपर डेटा कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। यदि डेटा है भी तो सैंपल बहुत छोटा होता है, लेकिन उन्होंने मेहनत करके जो ह्यूमन वेलबींग के इंडिकेटर है उसको भी डेटा दे दिया हमको। उसके बाद गैप भी हमारे सामने रखी शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट और के तुलना में, और उसके रीजन भी दिए कि वो गैप क्यों है, बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट बहुत सारे चीजों में पीछे क्यों है, और कुछ पॉलिसी सजेशन भी दिए। इसमें से मेरा ख्याल है दो तीन बातें बहुत इम्पोर्टेंट है, वो समझ लेना हमें जरूरी है कि जो विकास के जो मानदंड है या इंडिकेटर है, जिसमें हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं कि पर पर्सन इनकम एक अच्छा इंडिकेटर है, आप एक आदमी का इनकम यदि ज्यादा हो तो वो बहुत कुछ चीजें कर सकता है। दूसरा है कि गरीबी, इनकम इतना कम हो कि आप फूड की और बेसिक में रिक्वायरमेंट है वो भी नहीं कर सकते। यदि आप इनकम कम होने की वजह से आपके बच्चे को आप सही तरीके से खाना नहीं खिला सकते हो तो उससे वो अंडरवेट हो जाते हैं, मॉर्टेलिटी बढ़ जाती है, जन्म होते हुए मरना, एक साल के बाद मरना, 5 साल के बाद मरना, ये 3 तरह के चाइल्ड मॉर्टेलिटी के कॉन्सेप्ट है। महिलाओं का एनीमिया और ये जो इंडिकेटर है माल न्यूट्रिशन के, ये भी उन्होंने हमारे सामने रखे, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, वो अलग सोर्स ऑफ डेटा है। फिर उन्होंने एजुकेशन डेवलपमेंट एनरोलमेंट रेशियो लेके एजुकेशन डेवलपमेंट के कंपैरेटिव फिगर हमारे सामने रखे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सिटी कम्युनिटीज के रखे कि घर है या नहीं, और घर है तो उसकी क्वालिटी क्या है, स्लम में रहते हो या नॉन स्लम इसमें रहते हो, ये भी उन्होंने बताया। उसके बाद एट्रोसिटी का डेटा बताया, एट्रोसिटी का डेटा आपको अलग से हिंदू शेड्यूल कास्ट और बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं मिलता, तो उन्होंने एग्रीगेट बताया है, वो बिल्कुल सही है। इससे जो हमें मिल रहा है उससे दो बातें मेरे सामने मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इनकम पर कैपिटल ले लो, पावर्टी ले लो और माल न्यूट्रिशन ले लो, पर्टिकुलरली पावर्टी ले लो, तो सबसे ज्यादा गरीब जो है वो ट्राइबल है महाराष्ट्र में। लेकिन उसके बाद नंबर दो पे शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट आ रहे हैं, और हिंदू शेड्यूल कास्ट जो है जिसमें हम ये मान के चलेंगे चर्मकार और मातंग कम्युनिटी के लोग ज्यादा है, उनकी पावर्टी जो है बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट से कम है। तो ये बहुत ही चिंता की बात है जो लोगों ने समझ लेना चाहिए कि पर कैपिटा इनकम भी शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट का कम है और उनकी पावर्टी भी ज्यादा है। कुछ कुछ माल न्यूट्रिशन के इंडिकेटर जो है वो भी उनके खराब है। तीसरा जो है उन्होंने एक पॉजिटिव इंडिकेटर जो हमें बुद्धिस्ट के बारे में मिलता है कि कम से कम एजुकेशन में उनकी डेवलपमेंट जो है वो और जो स्टेट लेवल के एनरोलमेंट रेट है उसके बराबर है। महाराष्ट्र में 34% जो है लोग हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो बुद्धिस्ट भी 34% में है उनमें, और हिंदू शेड्यूल कास्ट में कोई डिफरेंस ज्यादा है नहीं, ओबीसी के बराबर भी है थोड़ा बहुत है। हालांकि हाई कास्ट का जो एनरोलमेंट रेशियो है वो बुद्धिस्ट के एनरोलमेंट के रेशियो से ज्यादा ही है, लेकिन एजुकेशन में बुद्धिस्ट जो है बहुत कॉन्शियसनेस है, गरीबी होते हुए भी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं डिफिकल्टी के साथ। लेकिन दूसरे जो और सिविक कम्युनिटीज के इंडिकेटर उसमें पाएंगे तो बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट और उसमें फॉलोड बाय हिंदू शेड्यूल कास्ट की स्थिति जो है
ये खराब है। बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट का प्रोपोर्शन स्लम में रहने का ज्यादा है, बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट का बैड हाउसिंग में रहने का जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा है, बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट का जो एक्सेस टू वाटर ड्रिंकिंग वाटर है वो कम है। तो ये जो सिविक कम्युनिटीज के इंडिकेटर है इसमें बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट पीछे पड़ रहे हैं औरों की तुलना में, ये हमें समझ लेना बहुत जरूरी है। और इसके कारण उन्होंने जनरली देने की कोशिश की, बड़े अच्छे कारण है। उन्होंने कहा कि बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट की स्थिति क्यों खराब है, उसके कारण उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उनके पास प्रॉपर्टी में बिल्डिंग अपनी जो है वो कम है, जमीन कम है, एंटरप्रेन्योरशिप कम है, रेगुलर सैलरी जॉब थोड़े से अच्छे है रिजर्वेशन की वजह से, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट वो मानना लेना चाहिए, लेकिन वो भी उसका भी प्रोपोर्शन हाई कास्ट से कम है, 29% 24% है, औरों का उससे ज्यादा है। और इसलिए बुद्धिस्ट में सबसे बड़ी बात है, मैं आप लोगों के सामने लाऊ जो नितिन तागड़े ने हमारे सामने रखी है, क्योंकि ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी बीइंग लो, लैंड ओनरशिप बीइंग लो, एंटरप्रेन्योरशिप बीइंग लो, दे डिपेंड मोर ऑन कैजुअल लेबर। तो हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ न्यू बुद्धिस्ट डिपेंड ऑन कैजुअल लेबर, दैट इज आई थिंक 44%, ठीक है नितिन? ऑफ द टोटल शेड्यूल कास्ट इन रूरल एरिया द प्रोपोर्शन ऑफ दोज डिपेंडिंग ऑन द कैजुअल लेबर इज अबाउट 44%, विच इज हाइएस्ट कंपेयर टू एनी ग्रुप, हाइएस्ट देन न्यू शेड्यूल कास्ट, हिंदू शेड्यूल कास्ट ऑल्सो। तो उससे न्यू बुद्धिस्ट की स्थिति का हमें अंदाजा आ जाता है। और जो रेगुलर सैलरीड है जिसमें रिजर्वेशन की वजह से थोड़ा फायदा हुआ है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो है उन्होंने कहा है कि इनफॉर्मल वर्कर ज्यादा है। अब मुझे मालूम नहीं कि बहुत सारे लोगों को इनफॉर्मल फॉर्मल वर्कर का डिफरेंस समझ में आता है या नहीं। इनफॉर्मल वर्कर वो है जिनको कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं, कभी भी उनको नौकरी से निकाला जा सकता है, या ज्यादा से ज्यादा एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और फिर सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ग्रेच्युटी नहीं है, पेंशन नहीं है। तो इसका जो प्रोपोर्शन है न्यू बुद्धिस्ट में ज्यादा है, हिंदू शेड्यूल कास्ट में भी ज्यादा है, और इसके वजह से आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है। और आपको पता है कि कोविड के पीरियड में जब इन सब लोग इनको निकाला गया नौकरी से, तो ये इनफॉर्मल वर्कर था जिसको कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उनको बस मुजबानी कह दिया कि आपका जॉब खत्म है, आपके पास थोड़ा बहुत ग्रेच्युटी का पैसा होगा तो होगा, ना पीएफ है ना और कुछ है। तो ये स्थिति बहुत खराब है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, बड़ी शॉकिंग बात सामने आई है। अब मुझे मालूम नहीं सैंपल की क्या प्रॉब्लम है, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज अमंग द मुस्लिम 23%, और उसके बाद फिर न्यू बुद्धिस्ट और हिंदू हिंदू शेड्यूल कास्ट और बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट भी उसमें उनका हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। उसका कारण डिस्क्रिमिनेशन भी है। तो ये जो जिनसे इनकम मिलती है, लैंड बिल्डिंग आपने रेंट पे दी तो ये मिलती है, एंटरप्रेन्योरशिप इसकी ओनरशिप बहुत कम है, और वर्कर में भी है तो वो ज्यादातर इनफॉर्मल वर्कर में है, लो सैलरीड है, वेजेस कम है। तो ये कारण है न्यू बुद्धिस्ट के, या बुद्धिस्ट न्यू बुद्धिस्ट वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट जो है उसके है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर फिर बाद में उन्होंने निकाला है वो ये है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो भी कारण है। कॉन्स्टिट्यूशन इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करती है, लेकिन यहाँ उन्होंने बताया है कि शेड्यूल कास्ट जो है जॉब प्राइवेट सेक्टर में लेते वक्त उसको डिस्क्रिमिनेशन फील होता है, इक्वली क्वालिफाइड होने के बाद भी उसको जॉब नहीं मिलेगा। फार्मिंग करता है तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन है, धंधा करता है तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन है। उन्होंने वो स्टडी का जिक्र किया कि जहाँ एक महाराष्ट्र में स्टडी हुई जिसमें उन्होंने ऑटो रिक्शा, रेस्टोरेंट चलाने वाले और ग्रोसरी शॉप किराना की दुकान चलाने वाले जो न्यू बुद्धिस्ट है या शेड्यूल कास्ट है, न्यू बुद्धिस्ट का तो डेटा अलग से नहीं था लेकिन शेड्यूल कास्ट का था, उसमें उन्होंने पाया कि गाँव में बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। हाई कास्ट का बंदा जो है वो शेड्यूल कास्ट के ग्रोसरी से परचेज नहीं करता, रेस्टोरेंट में नहीं आता, क्योंकि अनटचेबिलिटी है। ऑटो वगैरह लेना है, टैक्सी लेना है तो अपनी जाति का लेता है।
इसके वजह से होता क्या है, आपने बिजनेस शुरू भी किया लेकिन आपकी डिमांड कम होगी, आपकी डिमांड सिर्फ अपने जात के तक ही सीमित रहेगी, उससे इनकम सेल कम होगा, इनकम कम होगा, आप पावर्टी में रहोगे। तो ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन मार्केट है ये भी उसमें है, और नॉन मार्केट में भी है, जैसे पीडीएस है, राशन की दुकान है, मिड डे मील है, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन शेड्यूल कास्ट बच्चों का होता है, राशन उतना नहीं मिल पाता है जितना होना चाहिए। हेल्थ में भी है, जो आशा वर्कर है वो अनटचेबल के घर में नहीं जाएगी, इंजेक्शन देने में ये प्रॉब्लम होगी, वेट करने में प्रॉब्लम होगी, और डिलीवरी के वक्त प्रॉब्लम होगी। ये सारा हेल्थ के स्टडी में आया है हमारे जो इंस्टीट्यूट ने किया, जिसमें नितिन तागड़े भी इन्वॉल्व थे। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो न्यू बुद्धिस्ट ये शेड्यूल कास्ट बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने के बाद, या हिंदू शेड्यूल कास्ट, इनका थोड़ा बहुत काफी कम हुआ है, लेकिन कुछ एरिया में अभी भी है, जिसके वजह से उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती इकोनॉमिक्स में। सोशल में तो है ही है, उन्होंने एट्रोसिटी की फिगर दिए है कि 1995 से लेके 2014 तक कितनी एट्रोसिटी, 22,000 का कुछ आंकड़ा उन्होंने बताया, ऑन एन एवरेज एनुअली भी होती रहती है, ऐसा साल नहीं है कि जहाँ एट्रोसिटी होती नहीं है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है जो प्राइमरी स्टडीज बताती है कि जो शेड्यूल कास्ट एजिटेट करता है इक्वल राइट के लिए, कास्ट के खिलाफ अटैचमेंट के खिलाफ, उनके साथ ज्यादा एट्रोसिटी होती है। जो चुप सहन करता है उसके साथ नहीं होती। उन्होंने आईएसडीए का डेटा देके बताया है कि ऑफ द टोटल शेड्यूल कास्ट जिनके साथ एट्रोसिटी होती है उसमें से 60% उसमें महार है, क्योंकि महार जो है वो लड़ाई करता है इक्वल राइट के लिए करता है। आप चुप बैठो सहन करो तो कोई आपको एट्रोसिटी करेगा नहीं, जब भी आप विरोध करोगे तब एट्रोसिटी होगी, धर्म के बारे में कुछ करोगे तभी एट्रोसिटी होगी। तो ये है कि न्यो बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट जो है वो नए विचारधारा की बात कर रहे हैं, हिंदुज्म की वो प्रथा है जिसमें असमानता है उसके बारे में विरोध करते, तो उनके ऊपर एट्रोसिटी और डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। अमेरिका में देखेंगे कि वो ब्लैक जो समता के लिए बात करते हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है, यहाँ जो समता के लिए बात किया जा करता है उसको एट्रोसिटीज होती है, उसके ऊपर वायलेंस होता है। आप अभी रिसेंटली आप देखेंगे जो अपॉइंटमेंट्स है वाइस चांसलर के उसके उसमें जो बुद्धिस्ट है जो महार है इसेंशियली उसको नहीं है, और सबकास्ट को दिया जा रहा है। तो ये जो इक्वल राइट की बात करते हैं झगड़ा करते हैं उनको पेनलाइज किया जा रहा है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है जो नितिन तागड़े ने नहीं कही है, और मैं सोच रहा था कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आए और बोले, लेकिन कोई गवर्नमेंट ऑफिसर विलिंग नहीं रहा मेरा ख्याल है, लेकिन मैं इतना बताऊँ कि जो इम्पोर्टेंट फैक्टर शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म का वो ये है कि 1991 तक उनको रिजर्वेशन था नहीं सरकारी नौकरी में बुद्धिस्ट होने की वजह से। 1991 में पासवान और वीपी सिंह ने रिजर्वेशन लागू किया, उसके बाद मेरा ख्याल है कुछ महाराष्ट्र में हुआ कुछ केंद्र में हुआ। अब केंद्र का रिजर्वेशन अभी भी बुद्धिस्ट को नहीं है, तो उसका असर तो होना ही होना है, वो महाराष्ट्र में भी हुआ और केंद्र में भी हुआ, इसलिए उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है, गरीबी ज्यादा है। तो पॉलिसी जो है रिजर्वेशन की पॉलिसी उनको केंद्र में क्यों नहीं लागू हो रही है मेरे समझ में नहीं आ रहा, और कोई उसके लिए नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र में है 3% या 6% जो भी है। दूसरा मुद्दा उन्होंने नितिन तागड़े ने बहुत अच्छी तरह बताया कि पॉपुलेशन यदि शेड्यूल कास्ट और हिंदू शेड्यूल कास्ट और बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट ले तो वो 18% बन जाती है, लेकिन रिजर्वेशन आप 12-13% दे रहे हो, उसमें बुद्धिस्ट को भी इंक्लूड कर रहे हो। ये अजीबोगरीब बात है। उनकी संख्या कुल मिला के 18% है और रिजर्वेशन दे रहे हो 13% को, और बुद्धिस्ट को थोड़ा दे रहे हो तो वो भी कम हो जाता है। तो ये जो शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड बुद्धिज्म है उनके साथ बहुत अन्याय है और जाति भी है, जिसकी वजह से उनकी स्थिति खराब है। लेकिन अवेयरनेस, फाइटिंग फॉर द इक्वल राइट, सोशल चेंज बुद्धिज्म के थ्रू, ये सारी बातें वो समाज परिवर्तन में कर रहे हैं। तो ये भी बात मेरा ख्याल है हमने समझ लेनी चाहिए। ये कुछ मुद्दे मुझे आपके सामने रखने थे, और मैं समझता हूँ कि अब सवाल और जवाब का सेशन शुरू करें गौतम कामले। हाँ। विद्याचौर का सर, सवाल और जवाब का सेशन
शुरू करेंगे। धन्यवाद सर, आपने जो बताया उसमें अभी ऐसे ही सार के तौर पर यही कहा जा सकता है कि डेवलपमेंटल प्रोसेस में शेड्यूल ट्राइब और बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये अनिवार्य है। अभी इसके बाद सवाल जवाब होंगे। मुझे ऐसा लगता है तागड़े सर, चैट बॉक्स में कुछ कमेंट्स और कुछ क्वेश्चंस आए हैं, आप उन्हें देखकर एक एक सवाल का जवाब दे सकते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे। अपने पास हमारे पास 20 मिनट है, 20 से 25 मिनट है सवाल जवाब के लिए, तो आप देखकर उनका आंसर दे सकते हो। तब तक कोई क्वेश्चन आते हैं तो आने दीजिए सर। जी जी हाँ, किसी को अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, खुद को अनम्यूट कीजिएगा और सवाल पूछिएगा। हाँ, डॉक्टर शुरा दारापुरी सवाल पूछना चाहती हैं, आप खुद को अनम्यूट कीजिएगा और सवाल पूछिएगा। जी थैंक यू एंड जय भीम टू एवरीवन। और मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया लेकिन जितना भी समझ में आया, पर हालांकि मैं इकोनॉमिक की स्टूडेंट नहीं हूँ, बट स्टिल मुझे लगा क्योंकि मैं विमेन इश्यूज पे थोड़ा लिखती भी हूँ और थोड़ा मुझे आई एम सेंसिटिव टुवर्ड्स दैट इशू, तो मुझे नितिन जी से पूछना था कि जो इन्होंने डेटा बनाया उसमें विमेन इंक्लूडेड हैं, क्योंकि अगर दलित की बात की जाए तो उसमें विमेन जो है, मतलब कहा जाता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहती है, उसका काफी कंट्रीब्यूशन रहता है क्योंकि वो अपर कास्ट वुमेन से उसका अलग है, मतलब शी इज अ वर्कर ऑल्सो एंड इकोनॉमिकली काफी इंडिपेंडेंट भी है। तो जब इन्होंने अपना ये बनाया है डेटा, ऑल्दो इट्स एक्सीलेंट वन, बट मेरी एक क्वेरी थी और इंक्विजिटिव भी थी कि ये डेटा में विमेन इंक्लूड किया गया है, और दूसरी बात जो अट्रॉसिटीज की बात है या क्राइम की बात है तो उसमें भी जैसे हाई कास्ट यूज हो रहा है, बट जैसे साउथ में द रेड्डीज हैव रिप्लेस्ड द हाई कास्ट ओबीसी, तो डोमिनेटिंग कास्ट कई जगह यूज होता है। तो और दूसरी बात ये है कि, और वही ना, इंट्रा कास्ट जो एक कॉन्फ्लिक्ट है उसमें भी अट्रॉसिटीज हो रही है, तो मेरा उस तरफ आपका ध्यान दिलाने के लिए। एंड देन जो पेट्रियार्कल जो विद इन द दलित फैमिलीज जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें जैसे हमने कहीं पढ़ा था कि दलित मैन के साथ फ्रस्ट्रेशन होती है, उनको ह्यूमिलेशन बार होती है तो घर में निकालते हैं, एंड देर आर इंसिडेंट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एटसेट्रा, तो अट्रॉसिटीज आर देयर ऑन द वुमेन एंड दलित वुमेन इज सपोज टू बी थ्राइस डिस्क्रिमिनेटेड, तो अब आपके डेटा में वो अट्रॉसिटीज इंक्लूडेड है कि नहीं है, वो मुझे थोड़ा जानना था। एंड प्लस जो हम हिंदू एस सी और बुद्धिस्ट एस सी कहते हैं, तो रिलीजन का क्या इम्पैक्ट है? अगर बात की जाए, अगर बुद्धिज्म की बात होती है तो उसमें इक्वालिटी है, तो घर में भी इक्वालिटी होनी चाहिए, एंड दे शुडंट बी यू नो गेटिंग सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वायलेंस, तो कुछ फर्क है? डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब ये हो जाता है कि आपका हेल्थ पे ज्यादा खर्चा होगा, क्योंकि अगर शी इज अ वर्कर तो उसका जैसे हो जाता है कि देर इज in the workplace there is presenteeism and absenteeism also, like she'll be there but if she is physically hurt wo theek se efficiently kaam nahi kar sakti hai, to wo cheeze bhi hai, to there are atrocities on women you know because of patriarchal structures around, but has buddhism made any impact in the family? Aur jo humne kaha ki dalit woman is a worker also and wo kafi economically uska contribution bhi rehta hai, तो जब आपने ये अपना बनाया तो उसमें वो इंक्लूडेड है कि नहीं है? बस मैं वो थोड़ा सही जानना चाह रही थी, अदरवाइज द टॉक वाज एक्सीलेंट। या थैंक यू सूरज जी। पहली बात तो ये है कि जो हमारा डेटा है वो हाउस होल्ड डेटा है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें जब मिलती है तो हाउस होल्ड से रिलेटेड होती है, जैसे कि हाउस होल्ड इनकम, हाउस होल्ड वेल्थ, हाउस होल्ड सब कुछ हाउस होल्ड से रिलेटेड है। कुछ इंफॉर्मेशन है जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये वर्कर से रिलेटेड है, ये हाउस होल्ड से रिलेटेड नहीं है। तो जब हम हाउस होल्ड की बात करते हैं तब वुमेन और मेन दोनों भी इंक्लूड होते हैं, पहली बात।
और जब वर्कर की भी बात करते हैं तब भी मेन और वुमेन दोनों इंक्लूडेड है, ये एक्सक्लूसिवली वुमेन की बात नहीं है या एक्सक्लूसिवली मेन की बात नहीं है, ये दिस इज अबाउट द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, बिकॉज आवर ग्रुप्स आर फॉर्म बेस्ड ऑन सर्टन क्राइटेरिया, दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया इज कास्ट सिस्टम एंड रिलीजन इज अटैच टू दैट। सो अगर आप बोल रहे हैं कि विद इन द कास्ट एट्रोसिटीज हो रही है, तो क्या वो एट्रोसिटीज है या इंटरपर्सनल रिलेशंस है जो नॉर्मल होता है? कास्ट की एट्रोसिटीज वो होती है जब क्राइम किया जाता है किसी कास्ट से रिलेटेड, आपकी कास्ट ये है इसलिए आपके ऊपर क्राइम हो रहा है। जब विदिन कास्ट अगर क्राइम हो रहा है तो एट्रोसिटीज नहीं होगी, वो क्राइम है। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्राइम, जनरल क्राइम एंड एट्रोसिटी क्राइम, POA क्राइम। सो दिस डिफरेंस वी हैव टू कीप इन माइंड। अब रही बात है बुद्धिज्म की वजह से इक्वेलिटी के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है या नहीं, तो ऑब्वियसली ये तो बहुत स्लो प्रोसेस है और इसका सेपरेटली स्टडी करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि विद इन द फैमिली इंट्रा हाउस होल्ड में क्या डिफरेंसेस है, इनइक्वलिटी है या इक्वलिटी है, ओनरशिप किसके पास है, ये सब बातें आपको अलग से स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है आप भी कर सकती, क्योंकि आप स्पेसिफिकली यू आर फोकसिंग ऑन द वुमेन्स इश्यूज, सो आई थिंक यू शुड फोकस ऑन दैट। तो लेकिन एक बात तो डेफिनेटली कहूंगा कि चेंजेस जो होते हैं इंट्रा हाउसहोल्ड में इक्वेलिटी रहने से नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कि महात्मा फुले ने अपने वाइफ को उस वक्त उस जमाने में पढ़ाया था, उन्होंने अपने घर में इक्वेलिटी लाई, लेकिन इक्वेलिटी वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी एंड सी वाज अब्यूज्ड ये। लेकिन उन्होंने तटस्थ भूमिका या क्या बोल सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रांगली उस उन चीजों को फेस किया। लेकिन क्या हमारी सोसाइटी ऐसा एक्सेप्ट कर पाएगी अभी भी? क्या वो औरतों को 2 बजे या 12 बजे घर के बाहर रुकने के लिए एक्सेप्ट करेगी? फैमिली एक्सेप्ट करेगी कि वो बाहर जा सकती है, लेकिन क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी? तो हमें ये भी सोचने की जरूरत है कि ये जो इक्वेलिटी विद इन द फैमिली इज इम्पैक्ट नॉट ओनली इम्पैक्टेड बाय द रिलीजन एक्सेप्टेड, बट आल्सो इट इज द सराउंडिंग और दोज पीपल हु आर फॉलोइंग सम डिफरेंट रिलीजन विच इज नॉट बेस्ड ऑन द इक्वेलिटी। सो वी हैव टू थिंक इन दैट मैनर आल्सो। आई डोंट नो गौतम। हाँ सर, थोड़ा इस पे बोलना चाहूंगा। सूरा धारापुरी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, जो एट्रोसिटीज और डिस्क्रिमिनेशन जो है महिलाओं का, शेड्यूल कास्ट महिला का, ये तो आपको मालूम होगा कि इसके पहले हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर डिप्रिवेशन पे हमने लेक्चर किया है। तो शेड्यूल कास्ट वुमन जो है या फॉर्मर अनटचेबल वुमन जो है, उसके दो दुहेरी या तिहेरी समस्याएं है। एक तो यह है कि वो शेड्यूल कास्ट आदमियों की तरह करती है, लेकिन साथ साथ वो सर आपका आवाज रखा, वो आवाज नहीं आ रहा। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है जी। तो महिला कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ फैमिली में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो आदमी फेस नहीं करते। तो दलित महिलाओं का या शेड्यूल कास्ट महिलाओं का, महिलाओं की समस्या ये डबल एज है और इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज भी है, प्रॉपर्टी राइट नहीं मिलता होने के बावजूद भी, और कंजम्पशन जो है वो आखिरी में घर में खाती है गरीब हो तो। तो ये तीनों तरीके की कास्ट और जेंडर और इकोनॉमिक क्लास, ये भी वो सफर करती है। डेटा है, इंफॉर्मेशन है, मैं बताऊंगा का डेटा आप ले
पहले वहाँ सर नंबर ऑफ केसेस सर आवाज नहीं आ रहा भगत क्या करें बड़ी मुश्किल है हाँ अभी आ रही है एट्रोसिटी का डेटा है उसमें नंबर ऑफ रेप एंड सेक्सुअल वायलेंस है और उसमें जो केसेस अंडर एट्रोसिटी एक्ट है या पीसीआर एक्ट है वो सारी शेड्यूल कास्ट महिलाओं की है तो उसमें वो हमें ये मिल जाता है। अब ऑल इंडिया दलित महिला सभा जो है जिसकी विमल थोरात कन्वीनर है उन्होंने अभी एक फुल रिपोर्ट निकाली है दलित महिलाओं पे जिसमें इकोनॉमिक सिचुएशन सोशल सिचुएशन सेक्सुअल वायलेंस ये सारा और जेंडर वायलेंस ये भी दिया हुआ है तो आप उसको रेफर करें तो आपको मिल जाएगी। उसके अलावा एक जयश्री नाम की महिला है जिन्होंने पीएचडी की है ऑक्सफोर्ड से किताब आई है और उसमें उन्होंने डे टू डे जो डिस्क्रिमिनेशन शेड्यूल कास्ट महिलाओं का होता है सोसाइटी में वो किताब आई है वो यदि आप देखेंगे तो उसमें सारी जो नेचर है डिस्क्रिमिनेशन का शेड्यूल कास्ट महिलाओं का उसमें दिया है तो देर इज ए लॉट ऑफ लिटरेचर वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गेट होल्ड ऑफ इट एंड स्टडी द कास्ट प्रॉब्लम ऑफ द शेड्यूल कास्ट वुमन द जेंडर प्रॉब्लम ऑफ द शेड्यूल कास्ट वुमन एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द शेड्यूल कास्ट वुमन। शॉर्ट बॉक्स में कुछ सवाल है मैं उसी के बारे में सोच रहा था एक्चुअली महाराष्ट्र में जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है वो 65 लाख है और जो हमारा जो डेटा है जो यहाँ पे जो डिफरेंट डेटा सोर्सेस यूज किए हैं वो एक तो सेंसस ही है जो कंप्लीट एनुमरेशन है लेकिन बाकी के जो पूरे के पूरे सोर्सेस है नेशनल सैंपल सर्वे या आईएचडीएस और एनएफएचएस ये सब सैंपल सर्वे है सैंपल सिलेक्ट करके उसका इंफॉर्मेशन लिया है और ये रैंडमली सिलेक्टेड सैंपल्स रहते हैं और उसको वेट दिया जाता है ताकि वो इट विल रिफ्लेक्ट द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो अगर वेट नहीं देते हैं तो वो इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली नहीं देगा लेकिन उसके लिए वेट देना पड़ता है और वो आप डेटा इंफॉर्मेशन बहुत आप इसके ऊपर गूगल के ऊपर सर्च करेंगे मॉस्पी में सर्च करेंगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और एक क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया कि उनका क्या कहना है व्हेन यू हैव एक्वायर सफिशिएंट सोर्स ऑफ लिविंग यू हैव मैनेज्ड आई डोंट नो व्हाट इज दैट क्वेश्चन बट सर मुझे एक सवाल करना था राजीव शिंदे बात कर रहा हूँ पुणे से। हाँ सर हम जो अभी बात कर रहे हैं वो तो आउटपुट की बात कर रहे हैं इकोनॉमिक आउटपुट है वेलबींग का आउटपुट है यानी आउटपुट की बात कर रहे हैं। जो हमारे आईएएस ऑफिसर है एमएलएज है एमपीज है जो इंस्ट्रूमेंटल है इनके बीच में गवर्नमेंट और सोसाइटी के बीच में क्या इनका परफॉर्मेंस हम नाप सकते हैं क्या कर सकते हैं इन्होंने अभी तक क्या किया है। एससी एसटी आईएएस ऑफिसर जो पॉलिसी मेकिंग में आते हैं तो उन्होंने उनका फायदा हमको हुआ है क्या शिंदे जी। ऐसा है इसका जवाब ये है कि उसके ऊपर अलग से लेक्चर रखना चाहिए और स्टडी करनी चाहिए और लाना चाहिए क्योंकि सर क्या है हम जो बात कर रहे हैं आउटपुट की बात कर रहे हैं। सुनिए 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 पहले फोकस इज लेक्चर का ये है कि जो शेड्यूल कास्ट बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए है उसमें क्या परिवर्तन आया है औरों की तुलना में। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन में दलित है जो पॉलिटिकल लीडर है उनका रोल क्या है वो दलितों के लिए काम करते या नहीं करते है तो कितना करते है ये इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है हम रखेंगे इसके बाद कभी किसी को आइडेंटिफाई करेंगे जिसने इसके ऊपर काम किया है तो थोड़ा सा डिस्कशन फोकस करें तो वो अच्छा रहे। ठीक है थैंक यू वेरी मच क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि प्रोसेस में ये लोग हैं और आउटपुट पे हम बात कर रहे हैं अगर प्रोसेस ही ठीक होगा तो आउटपुट अच्छा मिलेगा ऐसा उसमें सिंपल सा मेरा थोड़ा सा लॉजिक की जा सकती है। यस सर थैंक यू वेरी मच। जो मुस्लिम का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 23.6% इसके पहले 2017-18 का डेटा है और ये 2018-19 का मतलब एक साल में ही ये एक्चुअली बढ़ोतरी है
इसके पहले इतना नहीं था, वो करीब करीब 5% to 6% अनएम्प्लॉयमेंट था महाराष्ट्र में ओबीसी का, सॉरी मुस्लिम्स का, मुस्लिम ओबीसी का यहाँ पे दाल दिखा रहा है, और टोटल मुस्लिम का 9% है 2018-19 में। एक तो वजह बना बताना अभी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं ये बोल सकता हूँ कि मुस्लिम ओबीसी जो है उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और वो ज़्यादातर अर्बन एरियाज में रहते हैं, और वो बहुत ही इनफॉर्मल टाइप के वर्क्स में काम करते हैं। दूसरी बात, और तीसरी बात, ये 2018-19 का डेटा है, मतलब जस्ट कोरोना स्टार्ट होने के पहले का डेटा है, और उसके पहले हमने जीएसटी को लागू किया, उसके पहले हमने डीमोनेटाइजेशन को लागू किया, तो ये उसकी तरफ भी हमें इशारा करता है कि वो भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि जीएसटी की वजह से जो इनफॉर्मल टाइप के जो बिजनेसेस थे जिनका, वो बहुत कुछ नेस्तनाबूत हो गया, ऐसे बोल सकते हैं, वो भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन नितिन, मैं ये कहूंगा ये बहुत रैपिड जंप है, तो इसमें थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल भी इश्यू हो सकता है, तो इसको आप दोबारा चेकअप करें। 9% से 23% इज ए वेरी हाई इंक्रीज, हो सकता है कुछ डेटा की इश्यू भी हो, तो मैं ये नहीं कहूंगा, आपने अच्छे रीजन दिए, लेकिन चेकअप करो इसको थोड़ा सा दोबारा। खालिद से बात किया था इसके ऊपर सर, लेकिन वो भी बोले ये करेक्ट है फिगर्स, और सैंपल भी सफिशिएंट है। हाँ, थोड़ा सा देख लो, दोबारा वेरीफाई कर लो। पुष्पा थोरात मैडम बात कर रही हैं। मैडम आपका हाथ ऊपर है, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ नितिन जी, थैंक यू, वेरी वेरी नाइस स्टैटिस्टिकल डाटा, वेरी इन डिटेल आल्सो। आई वांट टू आस्क यू द ओनली सोशल इकोनॉमिकल एज वेल एज द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ वुमन स्पेशली इन द रूरल एरिया इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज द मैटरनल मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी एज वेल एज न्योनेटल मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी इज वेरी हाई, which impact on the family and also on the economical status of a family. This is one thing, so health issue is very important. And second thing is what type of suggestion you want to give the new generation to improve this situation. This is my question. Thank you. Bada question kar diya madam aapne. वुमेन्स के बारे में तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन सिचुएशन सीरियसली ख़राब ही है, क्योंकि स्टिल वी आर लिविंग इन द पैट्रियार्कल सोसाइटी, और जैसे कि अगर एजुकेशन का बात करें तो एजुकेशन में भी पीछे है वुमन। अगर आप माल न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो माल न्यूट्रिशन बॉयज़ की कंपेयर में गर्ल्स पे ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कंपैरिजन देना पसंद करूंगा कि आपने स्कूल गोइंग बच्चों को देखा होगा, तो आप कंपेयर करिए कि हिंदू गर्ल्स और मुस्लिम गर्ल्स, तो दोनों का आप कंपेयर करेंगे तो मुस्लिम गर्ल्स बेटर दिखती है हेल्थ वाइज, और हिंदू गर्ल आपको देखेगी बहुत ही ज़्यादा वीक या स्लिम, इस तरह से आपको नज़र आएगी। तो ये जैसे सर बोल रहे थे कि अगर घर में आप खाना खाते हैं तो सबसे पीछे कौन खाना खाता है, लेट कौन खाता है, आखिरी में कौन खाना खाता है, तो ये इंट्रा हाउसहोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस ये सब मैटर करता है। तो ये सब चीजें आपको आपके हेल्थ के ऊपर, आपके एटीट्यूड के ऊपर, आपके डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी इम्पैक्ट करता है। सिर्फ एजुकेशन दे दिए इससे भी नहीं होगा, आपको फ्रीडम देना जरूरी है कि लेट हर डिसाइड what she want to pursue, whether she want to eat veg or non-veg, let her decide. हमने कोई भी चाहे वो लड़का रहे या लड़की रहे, हमने कोई भी उनको freedom दिया नहीं है। Being a Indian individual, हम लोगों ने कोई भी हम ना उनको
एजुकेशन लेने का डिसीजन दे सकते हैं, मौका दे सकते हैं, ना शादी करने का ना कुछ। तो आप एंटायर लाइफ फैमिली अगर डिसाइड कर रही है तो वो कैसे डिसीजन मेकिंग करेगा, वो कैसे सीखेगा? Yes. तो मुझे And नहीं पता सर कैन आंसर बाकी आपका लार्जर क्वेश्चन। नहीं यार नितिन, उन्होंने सवाल बड़ा सही पूछा कि जो मॉर्टेलिटी रेट है एट बर्थ आफ्टर वन ईयर आफ्टर फाइव ईयर, यू हैव अ डेटा ना बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदू, तो उसमें अंदाज करने की बात नहीं है। उस डेटा से ये जहाँ तक मैं देख पाया वो डेटा कि मॉर्टेलिटी रेट मुस्लिम महिलाओं में कम है हिंदू की तुलना में, ये काफी वेल एस्टेब्लिश फैक्ट हुई है। और उसका कारण ये है डाइटरी हैबिट पे है कि मुस्लिम महिलाएं नॉन वेजिटेरियन है, मीट का कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा है तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सारा मिल जाता है। तो लेकिन वो उसी सिर्फ मॉर्टेलिटी रेट और अंडर न्यूट्रिशन उसी एरिया में महिलाओं मुस्लिम का थोड़ा सा आगे है, लेकिन बाकी में तो है नहीं है। इनकम है, पॉवर्टी है, एजुकेशनल लेवल है, उसमें तो बहुत ही पीछे है मुस्लिम। सर मॉर्टेलिटी रेट मुस्लिम में ज्यादा होने की वजह से ये भी हो सकती है कि जो मॉर्टेलिटी रेट है वो सिर्फ खाने से, इससे भी नहीं होता है, वो आपका कि आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी टाइम पर मिल रही है नहीं, इसके ऊपर भी है। क्योंकि एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन योर सोशल बैकग्राउंड। तो ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, क्योंकि जो रेंट डिस्क्रिमिनेशन मार्केट, जो हाउसिंग मार्केट डिस्क्रिमिनेशन मार्केट का जो स्टडी हुआ था उसमें भी आपने देखा, आपने ही स्टडी किया है तो आपने तो देखा ही है कि वहां पे डिस्क्रिमिनेशन को घर नहीं मिलते। तो गेटोइजेशन तो होगा ना सर, अगर आपको ज्यादा आपको एक्सेस नहीं मिल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है एक्सपांड करने की, आपको कम जगह पर एडजस्ट करना पड़ रहा है तो आपका गेटोइजेशन तो होगा, आपको कम लोकेलिटी में ज्यादा लोगों को रहना पड़ेगा, ये सब मैटर भी वो फैक्टर भी है। द डिस्क्रिमिनेशन एक्सेस टू हेल्थ सर्विस ऑफ मुस्लिम इज एडिशनल फैक्टर, वो बात आपने सही कही है। ये उन्होंने सवाल पूछा है नितिन, प्राइवेटाइजेशन एंड डी रिजर्वेशन, उसका आप जवाब दो, वो है एक सवाल। सर प्रमोद शिंदे जी पूछ रहे हैं सर, प्राइवेटाइजेशन एज रिड्यूस रिजर्वेशन जॉब, दिस मे बी अनदर हिंडरेंस इन अपलिफ्टिंग हिंदू शेड्यूल कास्ट और बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट। सर एक तो नहीं क्या सर, रिजर्वेशन जो लागू होता है वो टोटल जॉब 3% का लागू होता है, और प्राइवेटाइजेशन की वजह से तो ये पब्लिक स्पीयर का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी श्रिंक हुआ है, कम हुआ है। ऑब्वियसली इसका निगेटिव इम्पैक्ट आपके एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर होगा। अब जो प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब्स होते हैं तो आपको सपोर्ट करने के लिए वहां तो कोई सपोर्ट सिस्टम है नहीं, अगर आपको जॉब मिल भी जाएगा तो भी आपको सपोर्ट चाहिए। पहले तो पहली बात तो है कि सपोर्ट जॉब ही नहीं मिलता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो आपका स्टडी है जो बताता है कि कॉल आपने कॉल किया है लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं जाएगा। अगर आपका क्लियरली आपके नाम से या आपके बैकग्राउंड से पता चल जाता है कि आप कौन से बैकग्राउंड से आते हैं और आपको कॉल ही नहीं आएगा, ये एक हो गया। अगर आपको चांस भी मिलता है तो आपको वहां रुकने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे इंटरनल जो डिस्क्रिमिनेशन होगा आपका बॉस के साथ में या कलीग के साथ में, जो आपके बारे में अलग अलग तरीके के बात करेंगे, तो एंटायरली आपके एफिशिएंसी के ऊपर भी प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स कम हो रहे हैं उसकी वजह से एम्प्लॉयबिलिटी कम हो गई है, प्राइवेट सेक्टर में डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है इसलिए आपको जॉब ही नहीं मिलेगा, जॉब मिल भी गया तो आप उसमें टिक नहीं पाएंगे या उसमें उतना एफिशिएंसली काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये सब मुझे लगता है इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो इम्पैक्ट करते हैं। सुमित रोड़गे सवाल पूछना चाहते हैं, सुमित जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर, मैं महाराष्ट्र के गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ।
सर सवाल ऐसा है कि मेरे जो सिंधी समाज के दोस्त है उनका एक संगठन है, संगठन इस तरह का है कि वो अपने संगठन में पैसे जमा करते हैं और जो नीडेड पर्सन होता है उसे वो पैसे दे देते हैं विदाउट इंटरेस्ट। उसके बाद अगर वो बिजनेस में अगर सफल हो जाता है तो वो उसे रीपे कर देता है उस जो लोन की जो अमाउंट होती है। तो जैसे कि अपन अगर बात करते हैं एम्पावरमेंट की, बुद्धिस्ट समाज के एम्पावरमेंट की अगर हम बात करते तो क्या इसमें हमारे समाज में भी ऐसी चीजें लागू करना चाहिए क्या? सर दूसरा सवाल ऐसा है कि यहाँ अगर मैं ग्रास रूट लेवल की बात करूँ, विलेजेस की बात करूँ, तो उसमें क्या होता है कि उन लोग एक कम्युनिटी को देखते कि अपनी कम्युनिटी के रिगार्डिंग वो कितने ज्यादा सजग है, कितने ज्यादा एक्टिव है और कितने ज्यादा अवेयर है। हमारे इसमें ऐसा होता है सर बुद्धिस्ट समाज में हम सिर्फ कहने के लिए कहते हैं कि हम बुद्धिस्ट है कहके, लेकिन जो बुद्धिस्ट के जो चीजें होती है उनको बहुत ही कम फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से संदेश ऐसा जाता है लोगों को कि ये मीन्स उतना ज्यादा फॉलोअर नहीं है या फिर उतने ज्यादा प्रेडिक्टेबल या फिर उतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं है अपने समाज के प्रति, क्योंकि वो अवेयर नहीं करा पाते। बाकी समाज अपने बाकी जो जैसे कि हिंदुओं की आप अगर बात करते हो या फिर पंजाबियों की बात करते हो, सिख की बात करते हो, जैन की बात करते हो, तो वो एकदम प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को फॉलो करते हैं। तो मेरा सवाल ऐसा है सर कि इस तरह का भी डोमिनेंट बोलो या फिर उस तरह की जो पॉलिसी है उनकी लोन पॉलिसी, क्या ये इम्पैक्ट करती है हमारे एम्पावरमेंट के लिए? सुमित गोंदिया से हैं आप, अच्छा है, मैं भी गोंदिया के बाजू में रहा हूँ, काटी बिरसोला में, अच्छा लगा। पहली बात तो ये है कि आप बोल रहे हैं कि आप का विद इन द कम्युनिटी आप पैसा जमा करके उसको रेंट इंटरेस्ट पे दे, लोन दे, लेकिन आपके पास पैसा कहाँ है? आप तो गरीबी है ना, 24.8% आपका पॉपुलेशन गरीब है और जो भी नॉन गरीब है वो बहुत ज्यादा रिच भी नहीं है। तो पहली बात तो ये कि आपके पास पैसा ही नहीं है, तो आप जमा करेंगे और फिर आप उसको यूटिलाइज करेंगे तो बहुत मुश्किल है। दूसरी बात ये है कि दूसरे कम्युनिटी वो कास्ट बेस पे करते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप करें। आपको तो पहले सोचना पड़ेगा कि कास्ट बेस्ड कम्युनिटी का संगठन बनना चाहिए क्या, क्योंकि बाबा साहब ने तो बोला है कि हमें तो कास्ट को एनिहिलेट करना है। अगर आप कास्ट बेस्ड संगठन बनाएंगे तो आप तो अगेंस्ट, यू आर गोइंग अगेंस्ट द बाबा साहब अम्बेडकर। तो आपको तो यही आपको वैल्यूज इंपॉर्टेंट लगनी चाहिए, समता, बंधुता और स्वतंत्रता, ये तीन वैल्यूज ही तो आपको इम्पोर्टेंट, और इसी के परव्यू में बैठकर आपको सोचना पड़ेगा कि आप कैसे एम्पावर होंगे, आपके कम्युनिटी को कैसे एम्पावर करेंगे, और यू विल ब्रिंग इक्वालिटी नॉट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक बट इन टर्म्स ऑफ द फ्रीडम एंड एक्सेस टू वेरियस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तीसरी बात आपने जो बोला है कि क्या बोला है आपने कि भूल गया मैं, कुछ तो बोला था आपने इम्पोर्टेंट, हाँ कि लोगों को लगता है कि आप बुद्धिज्म के फॉलोअर्स नहीं है। बुद्धिज्म का फॉलोअर्स मतलब क्या, क्या बुद्धा का फोटो लगाने से हम बुद्धिज्म बन जाएंगे या हम उनकी पूजा करने पर बुद्धिज्म बन जाएंगे? हमें तो उनकी जो तीन वैल्यूज है उनको ध्यान में रखना है ना, समता, बंधुता और स्वतंत्रता। तो फिर इस दिशा में हमें सोचना चाहिए, ना कि वो किस तरह से फॉलो करते हैं। जरूरी नहीं है कि दूसरों ने किया है तो हमें भी वैसे ही करना है, मे बी वो गलत भी हो सकते हैं ना, तो हमें सोचना पड़ेगा। सुमित थैंक यू। Once SC converted to Buddhism and hence few unnecessary expenditures which used to go from SC community to priest Brahmin community have been stopped, then at what extent conversion from Hinduism to Buddhism has brought prosperity to SC Buddhist? For me, these data are surprising. तो आप ये बोलना चाहते हैं कि हाँ शेड्यूल कास्ट जो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए वो पहले ब्राह्मण कम्युनिटी को दान दक्षिणा देते थे और अभी कन्वर्ट होने के बाद में क्या प्रॉस्पेरिटी आई है क्या?
प्रॉस्पेरिटी तो आई है, इस वजह से नहीं आई है कि वो दान दक्षिणा बंद कर दिए। एक्चुअली शेड्यूल कास्ट, हमें ये समझना पड़ेगा कि शेड्यूल कास्ट पहले बहुत ज्यादा गरीब थे, वो दान भी कहां से देगा। डिस्क्रिमिनेशन भी इतना ज्यादा होता है कि आपको टेम्पल में एंट्री ही नहीं होती, तो आप दान देने कहां जा रहे थे। तो हमें वो भी बात समझनी पड़ेगी। और डेफिनेटली डेटा तो ये शो ही कर रहा है कि देर इज ए प्रोग्रेस। अभी एक्चुअली मैंने तो एक अभी करंट स्टेटस का प्रेजेंटेशन किया, अगर आप लास्ट 30 इयर्स का देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देर इज ए प्रोग्रेस। हेलो, जैसे कि पावर्टी पहले बहुत ज्यादा थी, अभी 24% है। अगर पुराना देखेंगे तो आपको 35-40% इतना दिखेगा। तो ऑब्वियसली प्रोग्रेस तो है। हाँ, मुझे लगता है अभी कि थोड़ा समय हमारा हो गया है तो एक गौतम एक एक मुद्दा जी। ये जो सवाल पूछा है उन्होंने उन्होंने उनका जो आखिरी सेंटेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने ये कहा है कि मैं सरप्राइज हूँ इस डेटा को देख के। तो ये बात आपकी सही है कि एक वहम और इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि जो शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड बुद्धिस्ट जो है उनकी आर्थिक स्थिति जो है रैपिडली इम्प्रूव हुई है औरों की तुलना में। ऐसी बात है नहीं है। जो चेंज आया है बुद्धिस्ट कम्युनिटी में वो जो रिलीजियस प्रथाएं थी उससे वो दूर हट गया, रिचुअल से दूर हट गया, भगवान से दूर हट गया, रैशनल बन गया, पुराने कर्म सिद्धांतों को छोड़ा। तो ये जो ये कल्चरल और रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन है उसका फायदा, उसका असर बुद्धिस्ट कन्वर्टेड के ऊपर जरूर दिखता है। लेकिन इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्पीयर में वहाँ तो जो पहले जैसा था वो जैसी तरक्की हुई है वैसी औरों के बराबरी तरक्की हुई है और वो पीछे है। बल्कि अब 44% जो है वो वेज लेबरर है, लैंड ओनर का एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोपोर्शन बहुत कम है। तो ये और ब्यूरोक्रेसी में भी 29% है औरों के कंपैरिजन में। तो इकोनॉमिक और एजुकेशनल और सोशल स्फीयर में जो स्थिति पहले थी वो वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क इस सेंस में नहीं है कि पॉजिटिव चेंज तो आया है, जैसे नितिन तागड़े ने कहा कि पावर्टी घटी है तो औरों के लिए भी घटी है। लेकिन फिर रिसेंट ईयर में आप पावर्टी देखोगी तो शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट की पावर्टी हाईएस्ट है आफ्टर शेड्यूल ट्राइब। तो तरक्की हुई है लेकिन गैप जो है वो गैप अभी कायम है। ये समझना बहुत जरूरी है कि शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड जो बुद्धिस्ट है उनकी स्थिति खराब है और कुछ नीतियां उनको बहुत सालों तक नहीं लागू की, इसलिए उनके ऊपर असर भी हुआ है। तो बहुत लोगों ने यह सवाल पूछा है यहाँ पर कि सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन उसके है, उसके बारे में अलग से चर्चा की जा सकती है। उनको जमीन देना जरूरी है, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाना जरूरी है, उनकी एजुकेशनल लेवल को बढ़ाना जरूरी है, उनका डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सिविक कम्युनिटीज और इसमें कम करना जरूरी है। तो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ तो नीतियाँ बनाना जरूरी है। लेकिन हमने ये भी कहा, मैंने कहा पर्टिकुलरली कि उनके अगेंस्ट में एंटी एटीट्यूड भी है, क्योंकि वही है जो वुमन राइट के लिए फाइट करते हैं, कास्ट के खिलाफ संघर्ष खड़ा करते हैं, एट्रोसिटी हो तो आगे आते हैं। तो उन्हीं के खिलाफ फिर एंटी सोशल एटीट्यूड भी है, इनकरेज करने के बजाय कि आप लोग समानता लाने की कोशिश कर रहे हो, इसका रिवार्ड देने के बजाय उनके खिलाफ एटीट्यूड अलग है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है वो समझ लेने चाहिए और एक इल्यूजन जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो दूर करना चाहिए। यही जो आप कह रहे हो कि आप सरप्राइज हो गए वो बिल्कुल सही है। ये तो ऑफिशियल डेटा है जो नितिन तागड़े ने कलेक्ट किया है और ये हमारी आंखें खोलनी चाहिए इससे, और इसके लिए हमें पॉलिसी बनाने में मदद होगी। गौतम प्लीज गो अहेड। सॉरी। हाँ, मुझे लगता है अभी हम रुकते हैं, रुक जाना चाहिए, समय हो गया है।
तो मैं लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर त्रिलोक हजारे सर को अनुरोध करूंगा। डॉक्टर त्रिलोक हजारे सर, थैंक यू डॉक्टर गौतम साहब। आज के वेबिनार में करीबन मुझे लगा है 70 लोग पार्टिसिपेट किए हैं और साथ ही वही हमारा 75वां वेबिनार है। जब से हमने शुरू किया है तो आपकी आवाज कम आ रही है, मैं ये निकाल दूं? हाँ ठीक है। हेलो, हाँ सर, अभी आ रही? हाँ ठीक है। हाँ, विभिन्न विषयों पर, विभिन्न 75 विषयों पर हमने डेलिब्रेशंस दिए हैं एसोसिएशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल संस्था के माध्यम से, और आज ये हमारा 75वां वेबिनार है। 75 वेबिनार में विभिन्न विषयों पर हमने यहाँ पे मंथन किया है, चर्चा की है और आपके सामने रखा है। आज का जो विषय था उसको बहुत ही सही तरीके से नितिन जी तागड़े ने जस्टिफाइड किया है अपने डाटा के साथ में। पूरा डाटा उन्होंने कलेक्ट किया, काफी परिश्रम किया है और काफी परिश्रम करने के बाद में उन्होंने हमारे सामने ये डाटा रखा है कि हमें जो चेंजेस दिखते हैं, लोग जो बोलते हैं, जनता जो बोलती है कि इनकी बहुत सारी प्रोग्रेस हुई, इनकी सर्विस पे लग गया, इनका रिजर्वेशन निकाल देना चाहिए, ये करना चाहिए, वैसे तो आज के डाटा के ऊपर से कोई दिखता नहीं है। अभी थोड़ा सर ने जो इंटरप्रिट किया है लास्ट में कि इकोनॉमिकली एजुकेशन वाइज तो हम जहाँ के वही है, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, और जो भी प्रोग्रेस हुई वो सापेक्ष है कि औरों की प्रोग्रेस हुई, इसलिए सेल्फ कास्ट की प्रोग्रेस, कन्वर्टेड बुद्धिज्म की प्रोग्रेस हुई है, और कल्चरली हम जरूर चेंज हुए, कल्चरली हमने बहुत सारी बातें छोड़ दी है। नितिन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने अथिक परिश्रम से ये जो आज का प्रेजेंटेशन किया है, तो मैं प्राध्यापक का नितिन तागड़े जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने जो आपके सामने बात रखी है, इसके पहले हमने देश में जो क्रिश्चियन है, कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, उनकी स्थिति क्या है, सेल्फ कास्ट क्रिश्चियन जो है उनकी स्थिति क्या है, उसके ऊपर वेबिनार किया था। हमारे डॉक्टर थंगराज आज भी इसमें वेबिनार में शामिल हुए हैं, उन्होंने काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था। उसके बाद में पंजाब में SC लोगों की सिचुएशंस क्या है, कितना पॉपुलेशन है उनका और क्या इकोनॉमिक्स है, इसके ऊपर हमने एक लेक्चर रखा था। लास्ट लेक्चर हमारा देश में कन्वर्टेड मुस्लिम जो है या मुस्लिम है, उनका स्ट्रेटिफिकेशन क्या है देश में और उनकी सिचुएशन क्या है, ऐसे विभिन्न विषयों पर चर्चा करके हम आपको अवेयर करना चाहते हैं। नितिन जी, हमारा मैक्सिमम जो श्रोता वर्ग है वो प्राध्यापक लोगों में से आता है, आप जैसे प्राध्यापक है वैसे ही पार्टिसिपेट करने वाले भी प्राध्यापक होते हैं मैक्सिमम, और ये मैसेज काफी जनता तक फैले, काफी जनता तक प्रसारित हो, ऐसी हमारी इच्छाएं रहती है, ऐसी हमारी अपेक्षाएं रहती है। जो 75 वेबिनार आज तक किए गए उसमें 75 वेबिनार में भी डॉक्टर थोरा सर ने बहुत पेन लिया है, बहुत सारी मतलब गेस्ट को आइडेंटिफाइड करना, उनको सामने लाना, उनसे करस्पॉन्डेंस करना, उनको सब्जेक्ट के साथ तैयार करना, गाइडलाइंस देना, ये सारा काम डॉक्टर थोरा सर आज भी वो कर रहे हैं, इसलिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे डॉक्टर थोरा सर वेबिनार में कंटिन्यूस हाजिर रहते हैं, वैसे ही डॉक्टर विमल थोरात मैडम, वो भी हमारे साथ में मतलब कंटिन्यूस कई सुझावों के बारे में, कई क्वेश्चंस के बारे में वो हमें योगदान देते रहती है, मैं उनका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर गौतम कामले जी जो हमारे साथी है और सहयोगी है, काफी अच्छी तरह से योगदान देते हैं, और ये वेबिनार की शुरुआत हमने 4-5 लोगों ने एक जगह आके की है, उनमें उनका बहुत योगदान है, तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। विद्या मैडम, विद्या चोरपगार मैडम प्राध्यापक है डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज में और काफी अच्छा संचालन करती है, आजकल हमने उनको सौंप दिया है बहुत सारी चीजें, तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज जो जिन लोगों ने सवाल किए हैं और बहुत ही काफी मतलब अच्छे सवाल थे, मीनिंगफुल सवाल थे, और जो उनको लगा आज के लेक्चर से वही उन्होंने सवाल उठाए, और बहुत सारे सवालों को नितिन तागड़े जी ने समर्पक उत्तर दिए हैं, और बीच में डॉक्टर थोरा सर ने भी इंटरवेन करके लोगों को सेटिस्फाइड करने की कोशिश की है। मैं जो पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने सवाल किए
उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और आज के वेबिनार में बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति सहभागी हुए हैं, उनका भी धन्यवाद देना मतलब नहीं दिया तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे कि अभी प्रमोद शिंदे जी ने एक सवाल डाला था, सुभाष आर्य जी हैं जो काफी अरसे से हमारे साथ में जुड़े हुए, सुजय कांति घोषाल जी है, डॉक्टर थंगराज है, राजकुमार साळवी है जो अंबेजोगाई से पार्टिसिपेट करते हैं, नीलाधर हाड़के जी है, डॉक्टर पुष्पा थोरात है वो कंटिन्यूस हमारे साथ में रहती है, प्राध्यापक अविनाश पुलजेली अम्बेडकर कॉलेज में जो प्राध्यापक है वो भी कंटिन्यूस साथ में रहते हैं, डॉक्टर निकेतन जांभूरकर, प्रदीप नगरारी जी, प्रोफेसर गायकवाड़, रंजू अनित्य, राकेश जी अग्रवाल और शुरा दारापुरी मैडम। शुरा दारापुरी मैडम बहुत सारे मतलब ये एक अच्छी कार्यकर्ती भी है, यूपी में इनका बहुत अच्छा कार्य है और मैं तो काफी सराहना करना चाहूंगा, इनकी दाद देना चाहूंगा कि काफी अच्छी तरह से वो मतलब सुलझा के सवाल करती है, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मैं जिनके नाम ले पाया नहीं ले पाया उन सभी को धन्यवाद व्यक्त करते हुए ये माइक मैं आज गौतम कामले जी को सौंपता हूँ, और फिर से मैं गौतम कामले जी का और विद्या मैडम का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और हमारा तांत्रिक आयोजन जो है, क्या नाम है उनका गौतम जी, शुद्धोदन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हरदम वो सारा लिंक डेवलप करना और उसको हमारे तक पहुंचाना ये काम करते हैं, तो शुद्धोदन का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और माइक में विद्या मैडम को सौंपता हूँ। विद्या मैडम ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर एम एल कासारे जी भी आज हमारे साथ उपस्थित थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और कई रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स है आप सभी का एसोसिएशन की ओर से, शुरा धारापुरी मैडम है, कुछ नए पार्टिसिपेंट्स आज हमारे साथ जिसमें मैं एक दो तीन नाम का जरूर मैडम प्लीज उल्लेख करूंगी। हाँ जी जी सर, जिसमें या पवनप्रीत कौर जी है, सुखविंदर कौर जी, बिरिंदर सिंह जी, उसके साथ रजनी बहादुर मैडम है और सुभाष आर्य सर जी जी, एम थंगरा सर, शुरा धारापुरी मैडम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में विद द परमिशन ऑफ टुडेज वेबिनार प्रेसिडेंट प्रोफेसर ऑनरेबल डॉक्टर सुखदेव थोरात सर, आई कंक्लूड दिस वेबिनार। थैंक यू। ओके विद्या, ओके त्रिलोक हजारे, यू आर स्पीकिंग फ्रॉम सिंगापुर। यस सर।